अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलि सहाबीही अजमाइन अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن استطعت أن تكون عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم। मोहतरम सामईन इकराम, अज़ीज़ तालिबात, काबिल क़द्र मौलिमात और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और सरपरस्त हज़रात, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ मुसल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम लोगों को यहाँ पर बैठ करके दीनी तालीमात की नशर व इशाअत के फ़िक्र ले करके हम और आपको यहाँ पर इकट्ठा होने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शा है। बाद हूँ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम नाजिल हो, बिलखसूस मेरा और आपके आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन इकराम व सामियात, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी ये बैठक जामिया की इंसाल की दूसरी पेरेंट्स मीटिंग है जिसमें हम और आप अपनी बच्चियों की कारकर्दगी, अपने बच्चियों की तालीमी सलाहियत के ताल्लुक से बातचीत करने और उसमें जो कुछ कोताहियां कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के लिए और जो कुछ खामियां हैं, जो कुछ खूबियां हैं उसको परवान चढ़ाने के लिए हम और आप कोशिश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लिहाजा अब मैं बिला किसी ताखिर किए हुए इस बज़्म की, इस महफिल की आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले क़िरात के ज़रिए इस महफिल का आगाज़ करने के लिए कुरान तिलावत के ज़रिए मैं मरियम असफुल खामिस की जो कि तालिबा है वो आए और मस्जिद की तिलावत के ज़रिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। फ़ुलदा तफ़ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لا عيته خاشعا
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाहु फी इल्म व सऊदी। अब इसके बाद मैं इस बज़्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमद पेश करने के लिए फजलत की तालिबा फरहाना को दावत देता हूँ, वो आए हमद पेश करने के लिए। बोलता तफज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है। महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, ये फूल खुशबू जिया सबके लिए है, ये फूल खुशबू जिया सबके लिए है। उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है। वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है, अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है। उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है। वो फूल खिला देती है पथरीली जमी में, जो फूल खिला देती है पथरीली जमी में, जो फूल खिला देती है पथरीली जमी में, सावन के वो फुर कैफ घटा सबके लिए है, सावन की वो पुर कैफ घटा सबके लिए है। उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है। जो जर को खुर्शीद बना देती है पल में, जो जर को खुर्शीद बना देती है पल में, जो जर को खुर्शीद बना देती है पल में, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है। उस रब दो आलम की अदा सबके लिए है, उस रब दो आलम की अदा सबके लिए है।
ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फजा सबके लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फी इल्मिक व सौदिक, तक़बलल्लाहु जुहूदकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ सामईन व सामियात, अब इसके बाद जैसा कि आप मोहतरम लोग, आप मोहतरम हजरात जानते हैं कि आज की यह बैठक हमारी इमसाल की दूसरी पेरेंट्स मीटिंग रही। इसके बाद इस कार्रवाई को प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने हदीय तशक्कुर इंशाल्लाह मुख्तसर तौर पर पेश करने की कोशिश करूंगा। मोहतरम हजरात, ज़ी वक़ार सदर मुअज़्ज़ज़, अहबाब सामईन, अल्लाह के फजल करम से हमारे जामिया में इमसाल की दूसरी पेरेंट्स मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 3 नवंबर 2022 ईस्वी मुनाकिद हुई है। आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम की शिरकत पर मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ मुंतजमीन व मुआविनीन, जामिया मौलिमीन व मौलिमात और तालिबात की तरफ से सदर इजलास व मेहमान खुसूसी और आप तमाम हाजरीन व हाजरात का खैर मकदम करता हूँ। दिल की गहराइयों से अहलन सहलन मरहबा कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जामियत निस्वान असलफिया तिरुपति एक दीनी व असरी उलूम का हसीन इम्तेजाज का मरकज और खालिस सलफी इदारा है, जिसकी मुनफरिद इल्मी व दावती खुसूसियात हैं। ये इदारा अपने रोज़े अव्वल ही से खालिस किताब व सुन्नत और सलफियत की नशर व इशाअत में सरकर्दा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप तमाम की हर छोटी बड़ी हर किस्म की खिदमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़े कबूलियत से नवाजे, आमीन। और इसी तरह मैं तमाम जिम्मेदारान जामिया के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारान जामिया के इस कोशिशों और काविशों को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे और इनके लिए इनकी ये कोशिशें और काविशें सदक़े जारिया बनाए और जिम्मेदारान के लिए ये मेहनतें उनके लिए जन्नत में दाखिले का बाइस बने। अज़ीज़ सामईन व सामियात, देखिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं, लिहाजा अब आप लोगों के सामने तालिबाते जामिया का इल्म मुजाहिरा मुख्तसर तौर पर इंशाअल्लाह हमारे जामिया की तालिबात तकारीर का सिलसिला इंशाअल्लाह बाद में रखेंगे। अब मैं बिला किसी ताखीर किए हुए मैं हमारे जामिया के मुअल्लिम फजलतुल शेख अबू इब्राहिम हाशिम फैजी मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो आए हमारे दरमियान कुछ तस्करी खिताब इंशाअल्लाह हमें और आपको नवाजे। फ़ज़ल तफ़ज़ल मशकूरा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم۔ لا يسر طلب الكرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اسلامی بھائیوں، ماں و بہنوں، معلمات و طالبات، آج کے اس پرونق محفل میں میں آپ کے سامنے چند باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کے اس پروگرام میں کسی خاص عنوان پر خطاب نہیں ہے جس پر تفصیل سے اور نقاب پر نقاب گفتگو کی جائے۔ میرا موضوع ہے تذکیری خطاب۔ تو اس تذکیری خطاب میں آپ سے میں چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اپنے نفس کے لیے، اور پھر آپ سب کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم شے کی نصیحت کی ہے اور ایک محتم بشان اور فضیلت سے پور والی چیز کی نصیحت کی ہے، کہ جس نصیحت کو انسان تھام لے، جس نصیحت کو انسان اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لے، جس نصیحت کو انسان گلے لگا لے، تو یقیناً دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی پکی ہے، اسے کامیابی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔
मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमारी और आपकी जिंदगी में जो चीज आनी चाहिए वो ये कि हमारी जिंदगी में तकवा और परहेजगारी हो। इसलिए कि इमाम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस तकवा के सिलसिले में एक बात जो बतलाई है वो हम सब के लिए इबरत है। उन्होंने कहा कि मन तदब्बर मवारिद तकवा फी किताबिल्लाह व फी सुन्नति नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिम अन्नहा सबब कुल्ली खैर व फलाह व नजात फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो इंसान भी इल्म और दानाई रखता हो, जिस इंसान के पास भी दीन को समझने की सलाहियत हो, दीन जानता हो, वो इंसान अगर किताबुल्लाह की आयतों पर गौर करे, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान पर गौर करे, तो वो इंसान को ये पता हो जाएगा, उस इंसान को ये मालूम हो जाएगा कि अन्नहा सबब कुल्ली खैर व फलाह व नजाह, कि तकवा एक ऐसा जौहर है, तकवा वो वस्फ है, तकवा वो सिफत है कि जो तमाम भलाइयों और तमाम तरह की नजात और कामयाबी का राज इसके अंदर मुजमर है। मेरे भाइयों, यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई सहाबी किसी बात पर नसीहत करने के लिए कहते कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सबसे पहले तकवा की नसीहत करते थे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की नसीहत करते थे। हजरत साद इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहतें कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहतों से नवाजिए कि मेरी जिंदगी संवर जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसी का भी तक्वल्ला فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ, ए साद बिन मालिक, तुम मुझसे कामयाबी के बारे में सवाल करना चाहते हो, किए हो, तुम नजात और फलाह चाहते हो, तुम मुझसे वसीयतों का मुतालबा करते हो, तो मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक्वा को लाजिम पकड़ना। فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ, क्योंकि ये हर चीज का जौहर है, हर शय में कामयाबी के लिए अम्र मुहिम है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम अगर देखें तो हमें यह पता चलेगा कि तकवा के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा नसीहतें की है। हत्ता कि मैं अपने कम इल्मी के बुनियाद पर मैं एक बात बताता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मुताला कीजिए, आपके खुतबात का आप मुताला कीजिए, तो आपको एक बात जो जनरल तौर पर वो बात आपको मिलेगी वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, हर वाज़ नसीहत में तकवा की आप वसीयत किया करते थे। और यही वजह है कि खुतबा मसनूना के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा खुतबा नहीं होता मगर ये कि आप उसमें तकवा की वसीयत फरमाते और फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमुतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। मेरे भाइयों, यही नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ऐसा वक्त भी आया कि आपने आखिरी अय्याम में कुछ नसीहतें की थी, आपने आखिरी अय्याम में लोगों को कुछ नसीहतें की थी। वो नसीहतें हम सब के लिए सबक आमोज है, हम सब के लिए जिंदगी में अमल करने के लिए और नजात के लिए काफी है इंशाअल्लाह, अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं। हजरत इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मरतबा नसीहतें की, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा वजिलत मिनहल कुलूब वज़रफत मिनहल उयून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से हमें खुतबा इरशाद फरमाया, आपने चंद नसीहतें की और नसीहत ऐसी बलीग नसीहत की, ऐसी पुर मग़्ज़ खिताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी कहते हैं कि वजिलत मिनहल कुलूब, सामईन के दिल दहल गए और सहाबा की आंखों से आंसू जारी हो गए,
ज़रफ़त मिन हलवयूब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं कि हमने ये गुमान कर लिया कि अन्नहा मौइज़तु मुअद्दीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नसीहत तो ऐसी मालूम होती है कि गोया के कोई दुनिया से रुखसत होने वाला इंसान ऐसी नसीहत कर रहा है। अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहतें और कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से सहाबा इकराम को खिताब करते हुए फरमाया था, आपने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूँ, समोतात की नसीहत करता हूँ, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई गुलाम, कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा बादशाह और अमीर क्यों ना हो जाए। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खिताब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नसीहत से हम सबको ये सबक मिलता है कि हमारी और आपकी जिंदगी में तकवा होना चाहिए, हमारी और आपकी जिंदगी में ये तकवा जैसी सिफत होनी चाहिए। और तकवा क्या है? तकवा के बारे में हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तकवा है क्या? तकवा ये विकाय से है, और विकाय बोलते हैं बचने को, परहेज करने को। तकवा नाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को बजा लाया जाए। अल्लाह ताला ने जो अहकाम हम लोगों के ऊपर नाफिज किए हैं उसको एक इंसान अदा कर ले, और जो मनाही हैं, जो मनहियात हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, रसूल ने रोका है, उनसे इंसान रुक जाए। ज़ाका तक्वा, यही तो तक्वा है। तक्वा की मिसाल हम समझ सकते हैं इस वाक़े से कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, जब उन्होंने पूछा कि तक्वा क्या है, तो आपने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपका गुजर कभी किसी खारदार झाड़ियों से हुआ है? आप किसी कांटेदार रास्ते से गुजरे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कहा कि आप वहां कैसे गुजरते हैं? कहा कि मैं अपनी दामन को अच्छी तरह समेट लेता हूं और इतने एहतियात और मोहताज से मैं रास्ता को क्रॉस करता हूं कि कोई कांटा मेरे दामन से ना उलझ जाए। तो उन्होंने कहा था ज़ाका तक्वा, कि यही तक्वा है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर इस सफर में, जिंदगी के सफर में, इस रंगीन दुनिया में जा बजा अल्लाह की नाफरमानियां करने का मौका रहता है, और इंसान लज्जत और नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे पड़ करके उन सारे उमूर को अंजाम देता है जो चंद लम्हा के लिए उसे लज्जत मिलती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी को वो हमेशा के लिए मोल लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे हम खलवत में हों या जलवत में हों, तन्हाई में हों या लोगों के जम में गफीर में हों, हम वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक्वा हमारे साथ हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुन, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। मेरे भाइयों, आज के इस तज़किरी खिताब में सबसे पहली नसीहत मैं अपने नफ्स के लिए भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तक्वा जैसी सिफत से मुत्तसिफ होने की तौफीक नसीब फरमा, बादहु अल्लाह तमाम को इसकी तौफीक अता फरमा, आमीन। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो होना चाहिए वो ईमान और अमल होना चाहिए। मेरे भाइयों, ईमान और अमल की हमारे और आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है, खुसूसन ये कि मुसलमान, मैं यहाँ अपने उन सरपरस्त हजरात को जो इन बच्चियों के तालिबात के जो गार्जियन आए हुए हैं, जो जिम्मेदार आए हुए हैं, सरपरस्त हैं, मैं उन लोगों से खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो चाहूँगा कि ईमान, हम मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं बरसों से, लेकिन दर हकीकत हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई खातिर का तब्दीली नहीं आती है। हम कुरान पढ़ते भी हैं, हम कुरान तिलावत भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमली ज़िंदगी में जिस तरीके से हमारे असलाफ थे उस तरीके पर हम खबर नहीं उतरते हैं, उस तरीके से हमारी ज़िंदगी नहीं बनती है? आखिर कमियां कहाँ हैं? क्या हमारे ईमान में कमी है? क्या हमारे अखलाक किरदार में कमी है? इसके ऊपर इस पर सुधार लाने की ज़रूरत है। इसलिए कि ईमान तो इस बात का नाम है कि जिस चीज़ को आपने तस्दीक किया है दिल से, इकरार किया है जबान से, बस वो अमल, वो आजाए दवारे से, वो आपके जिस्म से वो चीज़ें जाहिर होनी चाहिए जिस चीज़ को आपने दिल में बसाया है, जिस चीज़ का आपने इकरार किया है। ईमान यही तो है
تصديق بالجنان اقرار باللسان عمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية کہ ایمان اس بات کی دلالت ہے کہ انسان دل سے گواہی دے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اسی کو زبان سے اقرار بھی کرے اور یہی وجہ ہے کہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے جب وہ مسلمان بننا چاہتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ جو اس بات کی دلالت ہے کہ مولا میں نے جس چیز کو دل سے تسلیم کیا ہے جس چیز کو میں نے دل سے مانا ہے اسی چیز کو میں زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں لیکن ہم اور آپ پیچھے ہیں تو کہاں ہیں عمل کی دنیا میں ہم اور آپ پیچھے ہیں میرے بھائیوں ورنہ کیا بعید بات ہے دیکھیے ہماری بچیاں ماشاءاللہ سے یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے تعلیمی مراحل کو اللہ آسان بنائے اللہ رب العالمین ان بچیوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اللہ رب العالمین ان سب کو عمل علم و عمل کی توفیق دے معاشرے اور ماحول کے لیے ان لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بنائے میرے بھائیوں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں اس گھر کی ہیں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس تعلیم کا اثر نہیں دکھتا ہے اس لیے کہ ہم عمل میں پیچھے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے کتنے سرپرست حضرات الا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ دیکھیے بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں آپ پڑھا بھی رہے ہیں دین کے راستے میں آپ صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھا بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کم دکھتا ہے وہ اس طرح سے کہ دیکھیے کتنے سرپرست ایسے ہیں جس کے چہرے پہ وہ سنت نہیں ہے کتنے سرپرست ایسے ہیں جس کی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ داڑیاں کاٹ کے آپ سنت داڑیاں کاٹ کے آپ زیادہ خوبصورت بن جائیں گے اس چیز کو آپ اڑا کر کے کیا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے نہیں نا بس ہمارے اندر عمل کی کمی ہے میرے بھائیوں میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں بس میں اصلاح چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کم سے کم ان کے سرپرست حضرات ان کے ذمہ دار ان کے والدین ان کے بھائی ان کی زندگی میں تو اسلام آنا چاہیے سب سے پہلے اس لیے کہ چراغ تلے اندھیرا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے گھر ہی میں خود شمع ہو اور آپ اس شمع سے خود مستفید نہ ہو خود روشنی آپ اندھیرے میں رکھیں یہ کون سی بڑی بات ہے اور کون سی یہ فلاح اور نجات والی بات ہے بلکہ یہ تو سراسر حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی اس لیے میرے بھائی بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ برسوں برس تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی طرح کوئی پریشانی ہوتی ہے فوراً ہم تعویذیں پہن لیتے ہیں گلے سے ہم تعویذوں کو نہیں اتارتے ہم پاؤں سے تعویذوں کو نہیں اتارتے ہم ہاتھوں سے تعویذوں کو نہیں اتارتے آخر جہاں ہم نے ایمان اس اللہ رب العالمین کے اوپر لانے کا دعویٰ کیا ہے وہی ہمارے اندر کہاں کمی آ گئی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں کوتاہی نظر آتے ہیں کہ ہم تعویذوں کو اتار کے پھینکتے نہیں جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک او فی روایہ فقط کفر کہ جس نے یہ تعویذ لٹکائی جنہوں نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا اس کے لیے شریعت نے یہ حکم نافذ کیا تو اس نے گویا کہ ایک طرح سے شریعت کا انکار کیا ہے اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے شریعت کا انکار بھی یہ کہاں چیزیں ہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں سب سے پہلے جھانکنے کے بعد اپنے گھر کے افراد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اس کا اثر ہمارے گھروں میں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہمارے وہ بھائی جو پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں تو پینٹ اور شرٹ پہننا شریعت میں منع نہیں ہے پہنیے لیکن شریعت نے مردوں کے لیے ایک اسلوب بتلایا ہے ایک طریقہ بتلایا ہے وہ یہ کہ آپ کے پینٹ اور آپ کی شلواریں آپ کے پاجامے اور آپ کی لنگیاں تکنے سے نیچے نہ ہو ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کا کپڑا تکنے سے نیچے لٹکا اتنا حصہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا تو ذرا بتائیے ہم اسلام کی دنیا میں کہاں ہیں میرے بھائیو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جا وجہ آیتوں کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانا کافی نہیں بتلایا گیا ہے صرف ایمان لانا کافی ہوتا تو انسان ایک مرتبہ توحید کو مان لیتا دل سے کلمہ شہادت کو پڑھ لیتا اور پھر عمل سے وہ دستبردار ہو جاتا اس کے نام جنت ہو جاتی لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں جنت یہ بنتی ہے عمل سے جنت یہ بنتی ہے
अमल से, हम अमल साले से अपनी जिंदगी को जोड़ लें तो यकीन जानिए कि हम कामयाब हैं। और यही तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है। मेरे भाइयों के आज तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा कि नहीं लोगों, पीरी और मुरीदी और तरीकत का ऐसा सिलसिला है कि लोग कहते हैं कि अहकाम तकलीफिया उसके ऊपर माफ हो जाते हैं, यानी वो विलायत के इतने दर्जे पर पहुंच जाते हैं कि अब उनके ऊपर रोजा भी माफ, नमाज भी माफ, कुरान भी माफ, सारी चीजें माफ हैं। अल्लाह याज बिल्ला, जरा सोचिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई इंसान है क्या? सहाबा इकराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़कर भी कोई वली है क्या? कोई वली गुजरे क्या? नहीं ना। लेकिन उन लोगों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने माफ नहीं किया, तो जरा बताइए आज जहालत कहिए इसको। मेरे भाइयों अपने कुरान आप उठाएं तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लदीना आमनु वअमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और अमले साले किए इन्हीं लोगों के लिए क्या है? नेमतों भरी जन्नत है। अल्लाह, और सिर्फ कुरान के अंदर एक आयतों में नहीं, दो आयतों नहीं, बल्कि दसियों आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के साथ साथ अमल सालेह का तज़किरा फरमाया। और अमल सालेह के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लदीना आमनु वअमिलुस सालिहाति उलाइका असहाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे तो यही लोग जन्नती हैं, जो हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ के अंदर फरमाया इन्नल लदीना आमनु वअमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। मेरे भाइयों, कुरान की आयतें हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि लोगों, हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अमल सालेह की कमी है तो यकीन जानिए कि वहाँ रोज़े महशर जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में लोग हाजिर होंगे तो वहाँ लोग अपने अपने किए पर उनको जजा और सज़ा मिलनी है। तो मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर जिस कदर अच्छाइयाँ और नेकियाँ किए रहेंगे उसी तरह हमको वहाँ मिलना है। और मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आज के इस तस्तीरी खिताब में ये दोस्त तीसरी चीज़ मुझे जो बोलना है वो ये कि यहाँ दो बातें मैं अपनी तालिबात के लिए और एक चीज़ सब के लिए और बोलना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी तालिबात, आप लोगों से मैं बतौर ख़ास इस वक्त में ख़िताब हूँ, ये तालिबात जब अपने घरों को जाएं तो घर में जाने के बाद जिस तरीके से हम यहाँ इस जामिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और फराइज की पाबंदी करें करते हैं, उसी तरीके से घरों में जाने के बाद आप खुद पाबंदी करें, पहली बात। दूसरी चीज ये कि उस पाबंदी के साथ साथ खुद अपने घर में आप देखें कि आपकी बहनें, आपकी भाभियां, घर के और ख्वातीन क्या उस चीज को अमल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो उनको आप जरूर दावत और तबलीग दें, उनको आप जरूर जो है दावत दें इस बात की तरफ कि आइए अल्लाह की तरफ, आइए रसूल की तरफ, आइए इस्लाम की तरफ। मेरे भाइयों, ये आपसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि खुसूसन नमाजों की पाबंदी, जिस तरीके से हम इस जामिया के अंदर पांच वक्तों की नमाजों की पाबंदी करते हैं उसी तरीके से घरों में हम जाकर के पाबंदी करें, ताकि जो आपके मोहल्ले में ऐसी बच्चियां, ऐसी तालिबात जिन्हें ये मौका नसीब नहीं है कि वो भी आकर के यहाँ तालीम हासिल करें, कम से कम उन सब के लिए आप नमूना और आइडिया बने। और कब बनेंगी आप? जब आप खुद इसकी पाबंदी करेंगी। और ये नमाज तो इस कदर महतम बिशान है, और ये सिर्फ तालिबात के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें तो नमाज और इसी तरीके से नमाज की पाबंदी का जिक्र इस कदर मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आखिरी जब लम्हा आया तो आपने उस मौके से एक खिताब फरमाया था, और आपने कुछ बातें नसीहत की थी, उन्हीं नसीहतों में से एक बात ये थी कि अस्सलात अस्सलात वमा मलकत अयमानुकुम। आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं मेरे भाइयों। और
तीसरी बात यह है कि वालिदैन का साया और शफ़क़त हमारी और हम सब की ज़िंदगी में और जिसकी भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जिन्हें दिया हो तो उसे गनीमत जानना चाहिए, और घर जाने के बाद उनकी खिदमत और इसी तरह से उनकी दुआएं लेना, हर तरह से उनको सुकून देना और उन्हें काम उनके काम में मदद करना, उनका हाथ बटाना, ये हर औलाद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए कि वरना ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो वालिदैन को ज़िंदगी में पाते हैं लेकिन खिदमत का मौका उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए कि ज़िंदगी ऐसी यूँ ही कट जाती है तालीम को सीखने में, तालीम सीखने के बाद इंसान सिखाने की दुनिया में चला जाता है और इस तरीके से फिर उन्हें खिदमत का मौका नहीं मिलता। इसलिए आपको अगर मौका मिले घर में तो उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेनी चाहिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चंद लोगों की दुआएं कबूल रद्द नहीं करते अल्लाह ताला, उनमें से एक वालिदैन की दुआ है औलाद के हक में। तो ये हम सब के लिए सुनहरे मौका होना चाहिए। और मेरे भाइयों, चूंकि वक्त मेरा ख़त्म हो गया है, इन्हीं चंद तज़किरी कलिमात पर मैं अपने खिताब को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें बाकी रख, इस्लाम पर बाकी रख, और जब तू हमें मौत दे, खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन। वअक़ूल क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन, फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, और इसी तरह शेख की ज़बानी हम और आपको नसीहतें सुनने इस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन मौके फराहम करता रहे। सामने कराम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे इस प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान थे वो अल्लाह का फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो है तशरीफ़ फरमा है। अभी इसके बाद मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि आप तमाम को मालूम है कि एक ज़माने में एक वक्त था कि स्टेज पर जो है एक अहम शख्सियत नज़र आती थी, वो आज जो है वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मग़फ़िरत फरमाए। लिहाजा अब मैं जो है उनके खानवादे से या फिर उनके घर वालों में से उनके भाई जो है फजलत शेख याकूब आलियावी तशरीफ़ लाए हुए हैं, अगर वो महफिल में मौजूद हैं तो बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, ये हमारे लिए शर्फ़ की बात होगी। फजलत शेख हाफिज़ याकूब आलियावी अगर मजलिस में हो तो वो स्टेज पर जो है तशरीफ़ लाएँ। अब इसी तरह देखिए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने इब्तदाई में आप लोगों के सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़कर सुनाया और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का एक कौल जो है आप लोगों के सामने जिक्र किया था। देखिए इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, यरफ़ुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दर्जात, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के दर्जात को बुलंद करता है जो ईमान लाए और साथ ही साथ इल्म से नवाजे गए। अब देखिए इसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कौल नकल किया मैंने, इसका तर्जमा या फिर इसका मीनिंग इस तरह है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर इस्तेआत हो, तुम्हारे पास ताकत रखते हो, तुम क्या हो, आलिम बनो, और अगर आप आलिम ना बने, आलिम अगर ना बन सकते हो तो मुतालिम बनो, यानी कुरान मजीद सीखने वाले, जिन्हें तालीमात को सीखने वाले बनो, और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उसको सीख सकें तो कम से कम जो लोग उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, उनसे मोहब्बत किया करो, और अगर आप उनसे मोहब्बत भी नहीं किया कर सकते हैं तो उनके लिए अपने दिलों को साफ रखा करें। देखिए मैंने एक कौल इस मुनासिबत से नकल किया है कि आज हमारे इस दरमियान हमारे तालिबात के सरपरस्त होने की हैसियत से बाज चाचा लोग भी आए हैं, बाज वालिदैन भी आए हैं, जिसकी वालिदा आई है, वालिदा वालिद आए हैं, या फिर चाचा आए हैं, मामू आए हैं, इसी तरह खाला आई है, फूफी आई है, तो ये आपसे मोहब्बत की अलामत है।
गोया कि आप लोग जो है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की इस कौल पर अमल करते हुए, आप इनकी मोहब्बत करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर जमा हुए हैं। अब आइए इसी मोहब्बत को परवान चढ़ाते हुए अब आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह हमारी तालिबात की जामिया जो है अपना इल्मी मुजाहरा पेश करेगी। अब मैं बिना किसी ताखीर किए हुए तकारीर का सिलसिला शुरू करने के लिए सबसे पहले हजरत की तालिबा सलमा को दावत देता हूँ, वो आए उर्दू जबान में आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह तकरीर पेश करेंगे। तफज़ल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، علم سے روشناس کرانے والے معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، عنوان تقریر حقوق العباد کی اہمیت. عزیز سامعین و سامعات، زندگی میں ہم سب پر عائد ہونے والے حقوق بنیادی طور پر دو ہیں، ایک جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک جس کو حقوق العباد. اگر ہم شریعت کے تعلیمات پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تعلیمات میں یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین، اور یہ دونوں ہی حق چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن انسان کے اخروی انجام کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے، کیونکہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. بندہ اس کے حق میں جو غلطیاں کرتا ہے، بندہ اس کے حق میں جو کوتاہیاں کرتا ہے، اتنی ہی بڑی بخشش اتنی ہی وسیع مغفرت کے ساتھ بندے کے آگے حاضر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، انسانوں کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے. انسانوں میں بہت ہی کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو ویسے اس ذرف ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے. اور حقوق العباد کے سلسلے میں رب العالمین کا بھی عام قانون یہ ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے اس وقت تک رب العالمین بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا. عزیز سامعین و سامعات، اگر حقوق کی فہرست دیکھی جائے تو بڑی طویل ہے. اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، ایک رشتہ دار پر دوسرے رشتہ داروں کے حقوق، ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے حقوق، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کے تین چیزوں سے ہوتا ہے. ایک ہے انسان کی جان، ایک ہے انسان کا مال، ایک ہے انسان کی عزت و آبرو. اسی لیے جس سماج و معاشرے میں انسانوں کی یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو وہ معاشرہ بالکل پرامن معاشرہ کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہم اہم موقعوں پر لسان نبوت نے بھی انہی تین چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے امن کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واراضکم وحرم یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں، تمہاری جانیں، تمہاری مالیں، تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی محترم ہے جیسا کہ یہ دن محترم ہے، جیسا کہ یہ مہینہ محترم ہے، جیسا کہ یہ مقام محترم ہے. عزیز سامعین و سامعات، حق تلفی جب بھی ہوتی ہے، جب بھی کوئی بندہ کسی بندے پہ ظلم کرتا ہے تو یہی تین صورتیں عموما
अमूमन होती है। किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, बहुत बड़ी हकतल्फी हो गई। किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी पे डांटा, किसी ने किसी को डांटा, किसी ने किसी पे गुस्सा किया, कोई किसी से कर्ज लिया वापस देने के लिए सता रहा है, कोई किसी का हक मेरा सही दे रहा है, तो बहुत बड़ी हकतल्फी हो गई। अलदर्ज ये सब जुल्म की वो सूरतें हैं जहाँ हम में से एक इंसान दूसरे इंसान का हक मारता है। चाहे आप किसी के इज्जत पे हमला करें, चाहे आप किसी के माल पे हमला करें, चाहे आप किसी की जान पे हमला करें, बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मुस्लिम के हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युगफरु लिशहीदिन कुल्लु ज़म्बिन इल्ला दैन। जब इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में शहादत पाता है, अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिया जाता है, अल्लाह ताला के रास्ते में खून बहा दिया जाता है, तो उसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इल्लत दैन सिवाय कर्ज के। अजीज सामईन व सामियात, सोचिए अल्लाह ताला के रास्ते में जान का नजराना पेश करने के बावजूद भी बंदों का यह हक माफ नहीं हो रहा है, तो दूसरा कौन है जो बंदों के हुकूक को लेकर कल मैदान हशर में खड़ा रहे और माफी की उम्मीद लगा सकता है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, हकीकी मानों में मुफलिस, हकीकी मानों में फकीर, हकीकी मानों में गरीब तो यही शख्स है, दुनिया का मुफलिस मुफलिस नहीं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, अतदरूना मन मुफलिस, क्या आप जानते हैं कि मुफलिस शख्स कौन है? तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने जवाब दिया, अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हम में से मुफलिस शख्स वो है जिसके पास ना तो दीनार है ना ही दिरहम। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है, अल्लज़ी यअती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो क़ियामत के दिन ढेर सारी इबादतें लेकर आ रहा है, दुनिया में सबसे अव्वल का नमाज़ी रहा, दुनिया में नफ़्ल रोज़ों का पाबंद रहा, वक्त पर ज़कात भी निकालता रहा। लेकिन व यअती ख़दशत महाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अतल माल हाज़ा, लेकिन उस बंदे ने अपने अच्छाइयों के साथ साथ लोगों पर जुल्म करता था, लोगों को बुरा भला कहता था, लोगों का नाहक खून बहाया करता था। ये सारे हकदार कल कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे, अपना अपना हक मांगेंगे, ना तो उनको देने के लिए उसके पास दीना रहेगा ना ही दिरहम, तो हशर की अदालत में फैसला किया जाएगा, फयुता हाजा मिन हसनाती, उसकी अच्छाइयां ले ली जाए और बांट दी जाए, यहाँ तक कि उसके नेकियां भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी हुकूम बाकी रह जाएंगे, तो कहा जाएगा उखिदा मिन खतायाहुम, उनके गुनाहों को ले लिया जाए, फदुरिहत अलैही, फिर उस जालिम पर फेंक दिया जाए, सुम्मा दुरिहा फिन नार, फिर उस जालिम को जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा घाटा है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस में आता है, मन कानत लहू मसलमतन लि अखीहि मिन इसी औ शैइन फलयतहलल मिन्हु क़ब्ल यौमिल क़ियामा, अगर तुमने अपने भाई पर दुनिया में जुल्म किया है, चाहे उसकी बेइज्जती करके, चाहे उसकी तौहीन करके, या किसी भी शक्ल में उसका हक मार कर जुल्म किया है, तो रोजे क़ियामत आने से पहले, अपने आंख बंद होने से पहले, सांसों का सफर खत्म होने से पहले, फलयतहलल मिन्हु, जाओ जाकर अभी माफी मांगो, वरना क्या होगा, यही होगा कि हसना की शक्ल में उनको अदा करना पड़ेगा। अजीज सामईन व सामियात, याद रखिए, जिंदगी में कमजोरों को सताने वाला, कमजोरों को दुख देने वाला, दूसरों के सुख व चैन से खिलवाड़ करने वाला, खुद अपनी जाती जिंदगी में, खुद अपनी फैमिली लाइफ में भी कभी सुकून नहीं पाता, तो दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करता है। दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने वाला ना सिर्फ खुद को बर्बाद करता है, बल्कि आने वाली अपनी नस्लों को भी बर्बाद करता है। लुक्माए हराम खिलाकर लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लिहाजा शरीयत की तालीम भी यही है कि दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले, हम अपना जायजा लें, कभी तन्हा बैठ कर सोचे, क्या हमने किसी को सताया है, क्या हम पर किसी का हक वाजिब है, क्या हमने किसी की गीबत की है, किस किस की हमने हक तलफी की है, किस किस की हम किस किस को हमने ना हक मारा है, कभी तन्हा बैठ कर अपना जायजा लें और फहरिस्त बनाए।
जाए, जिनसे भी हक तल्फी हुई है उनके पास जाए और उसे माफी मांगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को दुनिया में मजलूमों का साथ देने वाले बना और हर किस्म के छोटे बड़े जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीक। अब इसके बाद इसी तरह तकारीर के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के सामने अरबी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए नुसरत जहाँ नन्हे जहाँ जो कि फजलियत की तालिबा है इन्हें दावत देता हूँ, वो आएँ अपनी तकरीर को पेश करें। बोलता तफजल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بل فرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رئيس الحفلة والأساتذة الأجلة والضيوف الكرام والمعلمات الكريمات والمستمعون والمستمعات، أريد أن أخطب أمام كل خطبة وجيزة. موضوعي اليوم حالة الإنسان في العصر الحاضر. يا أيها المستمعون والمستمعات، نرى شخصا يقول في العصر الحاضر أريد أن أقيم الصلاة ولكن، أو أريد أن أعفو اللحية ولكن، أو أريد أن أترك الغيبة والكذب ولكن، أو أريد أن أكون صالحا ولكن، وهكذا وهكذا يريد المرء أن يتوب ويترك ذنبه ويبعد نفسه من الذنوب، ولكن لا يستطيع أن يتوب من ذنوبه. لماذا؟ فهناك أسباب أذكر بعضها. أولا، الإيمان أن الله غفور رحيم، وعدم الإيمان أن الله عزيز ذو انتقام. المرء يظن أن الله غفور رحيم ويستغفر ذنوبه ويرحم عليه مهما ارتكب المعصية، فيبقى على معصيته بظن الغفران والرحمة منه، ولكن بينهما أنه قهار ذو انتقام شديد العقاب على معاصي عباده. فجمع الله بينهما بقول كما قال تعالى في سورة الحجر: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يا أيها المستمعون والمستمعات، نبه الله تعالى في هذه الآية أن الله غفور رحيم وكذلك شديد العقاب على كفر عباده. فواجب علينا أن نؤمن بالله كما يرحمنا ويعذبنا على معاصينا وذنوبنا. ثانيا، الظن أن الموت بعيد منه، وهذا ما ابتلى فيه كثير من الشباب، حيث يظنون أن الموت بعيد جدا فيعصون الله في شبابه ويتركون الصلاة ويشربون المحظرات ويقولون أنهم سوف يعودون إلى الله في أواخر عمرهم، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. يا أيها المستمعون والمستمعات، فواجب علينا أن نعيش كأننا سنموت في دقيقة التالية، فقول ابن عمر:
الأرض في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. ولذلك كان يعيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في الناس: وصلوا صلاة مبدئين. ثالثا: اتباع النفس. إن الشخص قد جعلوا له المعاصيات المعينة جاها ومكانا بين أصحابه، فيعود عليه أن يفقد هذه المكانة فيستمر في المعصية، كما قال تعالى في سورة النازعات: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فواجب علينا أن لا نتبع الشهوات التي تهدي إلى النار ونسلك السبل التي تدخل بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. رابعا: مصاحبة العصاة والتعاون معهم. يرى أن كثيرا من الناس يصاحبون العصاة ويعصون الله بالتعاون معه، كما قال تعالى في سورة المدثر: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فعلينا أن لا نتعاون مع العصاة ولا يصاحبهم، بل ننكر عليهم عصيانهم. خامسا: حب الدنيا وغفلة عن القيامة. هذه الدنيا لا يبقى فيها شيء أبدي ولا يبقى فيها أحد، بل هذه الدنيا هي متاع الغرور، كما قال تعالى في سورة آل عمران: وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها المستمعون والمستمعات، ولهذا أن يكون الإنسان فيها كمسافر، لأن الدنيا لا دوام لها، ولكن الناس في غفلة نسوا الله والآخرة، والناس يغفلون عن القيامة، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا أيها المستمعون والمستمعات، واتقوا الله تعالى يوما ترجعون فيه إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، كما قال تعالى في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فواجب علينا أن نذكر القيامة وأحوالها ومناذرها وعقابها، كما قال تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وكذلك قال تعالى في سورة العبس: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فواجب علينا أن نترك الكفر ونرجع إلى هداية الله تعالى. أخيرا، أدعو الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تقبل الله جهودكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، آمین. اب اس کے بعد تقاریر کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عربی زبان میں جو ہے تقریر پیش کرنے کے لیے صدیقہ محبوب بادشاہ جو کہ فضلت کی طالبہ ہے انہیں دعوت دیتا ہوں. انگریزی
अंग्रेज़ी तकरीर पेश करने के लिए सिद्दीका महबूब बादशाह को दावत देता हूँ, वो आए अपनी तकरीर को पेश करें। तफज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ऑल प्रेसेस टू बी अल्लाह सुबहानहु व तआला, हु इज मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। ब्लेसिंग्स एंड सैल्यूटेशंस बी अपॉन आवर बिलोव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस। ऑनरेबल स्कॉलर्स, respected teachers and my dear Islamic brothers and sisters, today my topic is about the true religion of God. Every religion of the world has been named either by its founder or after its community or nation in which it was born. As in case of Christianity, it was named by after Jesus Christ, and a Buddhism after a Gautam Buddha, and a Hinduism after Hindus. This is a way of all religions except Islam. Islam is a religion which was not named by any people or a person, nor it was decided by a later generation. My dear brothers and sisters, the first thing that one should know and clearly understand about our Islam is what is meant by Islam. Islam means submission or surrender of one's will to the only one true God. Islam enjoys a unique destination of having no such associations with any particular person or a country. It is a universal religion. Its objective is to create and cultivate a man the attitude and quality of Islam. Islam, in fact, is an attributive title. Whoever possesses with this title, he belongs to a Muslim. My dear parents, this religion is given to Adam alayhi salam, the first man and the first prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a religion which was given to all the prophets who were sent from Allah subhanahu wa ta'ala towards a humanity. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nahl, ayat number 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Hence, the Islam name was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala himself. It is clearly mentioned in the Holy Quran, which was given to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, ayat number 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. If anyone chooses a religion other than Islam, never it will be accepted from him. My dear brothers and sisters, the Creator has not left us without any guidance for the conduct of our life. Since from the beginning of the creation, He has sent down our prophets who guide the mankind to the will of God and to the Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ahzab, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Thus, we have a chain of our prophets who guides a mankind to the will of God and to the Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmantu alaykum ni'amati wa razitu lakum al-Islam deen. This day, I have completed my religion on you, and I have completed my favors upon you, and have chosen Islam as your religion. Islam is a peaceful religion. This is a religion in which a mankind can get a peace of body and peace of mind, that to surrender of Allah subhanahu wa ta'ala and to his submission towards him. Nowadays, we see that many peoples are following the wrong path of shaitan. It's our duty to guide them towards the Islam and to explain them about it. At last, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the straight path and forgive all our sins. Ameen, summa ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बारकल्लाहु फी इल्मिक। अब इसके बाद इंशाअल्लाह तालिबात का जो है तकरीर का सिलसिला आखिरी होगा।
इंशाल्लाह अब आपके सामने तेलुगु ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मैं फजलत की तालिबा अंबर रफीक को दावत देता हूँ, वो आए अपनी तकरीर को तेलुगु ज़बान में पेश करें। मुतफज़ल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على صفوة أنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أننت كرنام يدو أفار كرباسي لدو سرو لوكال سرشتي كرتا ఈ అండ పిండ బ్రహ్మాండాలకి చక్రవర్తి అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. మరియు మన చిట్ట చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్యాలు వర్షించుగాక. నేటి సమావేశంలో నా యొక్క అంశం, ఓ మనిషి నీ పయనం ఎటు. సర్వ సృష్టికర్త జగనియామకుడు లోక రక్షకుడు అయిన అల్లా మానవుడిని సృష్టించాడు. మానవుడి జీవిత విధానాన్ని, అతను పయనించవలసిన పయనాన్ని చూపించాడు. కావున ఇన్షాల్లా మనం ఈరోజు మన పయనించవలసిన పయనం గురించి చర్చించుకుందాం. ప్రియమైన సోదరి వందలారా, మన ఈ జీవన పయనం సాగాలంటే ముందుగా మనం న్యూట్రల్ కావాలి. అంటే అసలు నేను ఏమి చెబుతున్నాను, ఒక మంచి మనిషిగా మంచి మనసున్న మనిషిగా విని ఈ సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక రాండి మన పయనించవలసిన పయనం గురించి చర్చించుకుందాం. ప్రియమైన సోదరి వందలారా, మన ఈ జీవన పయనం ఎన్నాళ్ళో చెప్పండి. ఎవరైనా ఇన్నాళ్ళు అని చెప్పగలరా? ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. మీకు ఎన్నేళ్ళు అని అడిగితే తక్కువని చెప్పేస్తారు. మాకు 18 ఏళ్ళు లేదా 22 ఏళ్ళు అండి. ఎన్నేళ్ళు అని అడిగితే తక్కువని చెప్పేస్తాం. ఇంకెన్నాళ్ళు అని అడిగితే ఎవ్వరు చెప్పలేరు. ఇది గ్యారంటీ లేని జీవితం. మనం ఈ జీవితంలో ప్రతి వస్తువుకి గ్యారంటీ అడుగుతాం. మంచి బ్రాండెడ్ ఐటమ్ కావాలి, గ్యారంటీ ఉన్న ఐటమ్ కావాలి, వారంటీ కావాలి అని. ఒక మనిషి మంచి బ్రాండెడ్ ఐటమ్ 24 ఇంచెస్ సోలో టీవీ కొన్నాడు. గ్యారంటీ బిల్లు కట్టి బస్ స్టాండ్ కి పోదామనేసి ఆటో ఎక్కాడు. మధ్యలో లారీ కొట్టేసింది. టీవీ పోయింది, మనిషి పోయాడు. గ్యారంటీ బిల్లు ప్రకారం టీవీ తిరిగి వస్తుంది, కానీ మనిషి తిరిగి వస్తారా? టీవీకి గ్యారంటీ ఉన్నది, మనిషికి గ్యారంటీ లేదు. ఇది గ్యారంటీ లేని జీవితం. ప్రియమైన సోదరి మనలారా, మన ఈ జీవితానికి గ్యారంటీ ఎందుకు లేదు? మన ఈ జీవితం రెండు కన్నులప్పుల మధ్య సమయం. కళ్ళు తెరిస్తే ఊయాలా, కళ్ళు మూస్తే నిన్ను మొయ్యాలా? అంటే నువ్వు కన్ను తెరవగానే నీ కోసం ఉయ్యాలా, నువ్వు కన్ను ముయ్యగానే అంటే నీ ప్రాణాలు పోయగానే నిన్ను మొయ్యడానికి పాడే పెడతారు. ఈ జీవితం గాలిలో దీపం లాంటిది, నీళ్ళలో బుడగ లాంటిది. ఎప్పుడు ఈ దీపం మారిపోతుందో, ఈ బుడగ ఎప్పుడు పగిలిపోతుందో, నీ ప్రాణాలు ఎప్పుడు పోతాయో ఎవ్వరికి తెలియదు. అందుకెల్లా సుమాన వద్ద అసలు లుక్మాన్లో బోధిస్తున్నాడు, ఎవరికి తెలియదు. నువ్వు ఉండడం ఎక్కడో, ఒరగడం ఎక్కడో, సంపాదించడం ఎక్కడో, ఉద్యోగాలు ఎక్కడో, ఇల్లు కట్టడం ఎక్కడో, స్థిరపడడం ఎక్కడో, నీ ప్రాణాలు మోయేది ఎక్కడో, నిన్ను మోసేది ఎవరో, నిన్ను పెట్టే మట్టి ఏదో, నీ మీద మట్టి పోసేది ఎవరో ఎవరికి తెలియదు. నీ జీవితం అంతటి అర్థమైనది.
అందుకే మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు తమ సహచరులకు అడిగారు, ఓ సహచరులారా, మీ మరణం ఎంత సమీపంలో ఉన్నది అని అడిగారు. దానికి సహాబా ఇక్రామ్ రిజ్వానుల్లాహ్ అజ్మాయిన్ వారు అంటున్నారు, ఓ ప్రవక్త, ఎప్పుడైతే మేము నమాజులు నుంచున్నామో ఒక రకాలు చదివిన తర్వాత రెండో రకాలు అందుతుందో అందదో అంత సమీపంలో మన మరణం ఉన్నది అని అన్నారు. దానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అంటున్నారు, ఓ సహచరులారా, మీరు మీ మరణాన్ని చాలా దూరంగా భావిస్తున్నారు. మీ మరణం నమాజులో అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లా ఒక సలాము తర్వాత రెండో సలాము మీకు దక్కుతుందో దక్కదో అంత సమీపంలో మీ మరణం ఉన్నది అని అన్నారు మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు. అలాంటి ఈ జీవితం గురించి ఎన్నో కలలు, ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో ఆశలు పల్లకిలు. ప్రియమైన సోదరులారా, ఒక్కసారి ఆలోచించండి, తాము బలవంతులమని మీరు నవీకి మాకు ఎదురే లేనటువంటి ఆదు జాతి ఎక్కడ, కొండలను పిండి చేసినటువంటి సమూహ జాతి ఎక్కడ, నేనే దేవుడని ప్రకటించినటువంటి ఈజిప్ట్ సామ్రాజ్య అధినేత ఫిరౌన్ ఎక్కడ, ప్రపంచాన్ని జయించినటువంటి అలెగ్జాండర్ ఎక్కడ, అమెరికాను కనబెట్టినటువంటి కొలంబస్ ఎక్కడ, ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా ఎవరున్నారని ప్రియమైన సోదరులారా, చివరికి దైవ ప్రవక్తలకి కూడా మరణం, సృష్టికర్త తన చేతులతో చేసుకున్న ఆదమ్ అలైహిస్సలాం వారికి మరణం, 950 సంవత్సరాల దైవ సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి నూహ్ అలైహిస్సలాం వారికి మరణం, సృష్టికర్త స్నేహితుడిగా పిలువబడినటువంటి ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం వారికి మరణం, సృష్టికర్తతో సాక్షాత్తుగా సంభాషణ చేసినటువంటి మూసా అలైహిస్సలాం వారికి మరణం, చనిపోకుండానే సజీవంగా ఆకాశ లోకాలకు ఎత్తబడినటువంటి ఈసా అలైహిస్సలాం వారికి కూడా ప్రళయ ముందు తిరిగి మరణం, గగన యాత్రలు చేసి స్వర్గం నరకాలకు చూసినటువంటి మన చిత్త చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి కూడా మరణం. మరణం లేనివాడు, మరణించని వాడు కేవలం అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. అందుకే అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా సూరా రహ్మాన్ లో బోధిస్తున్నాడు, కుల్లు మన అలైహా ఫాన్ వయబ్కా వజ్హు రబ్బిక జుల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్. అలాంటి ఈ జీవితం గురించి మనిషి ఎన్నో ఆలోచనలు చేస్తున్నాడు, నేను మరణిస్తాను అన్న విషయం మర్చిపోయాడు. ప్రియమైన సోదరులారా, కావున మన ఈ జీవన పయనం దైవ ధర్మంపై సాగాలి. మన ఈ జీవన పయనం దైవ ధర్మంపై సాగితే మన పయనం మమ్మల్ని స్వర్గానికి తీసుకుని పోతుంది. లేదు, నేను నిజ దైవాన్ని ఆరాధించను అని అంటే నీ పయనం నిన్ను నరకానికి తీసుకుని పోతుంది. చివరిలో అల్లాహ్ దుదువయమనగా, ఓ అల్లాహ్, మనందరి జీవన పయనం దైవ ధర్మంపై సాగేలా చేయుగాక. ఆమీన్ సుమ్మ ఆమీన్ వఆఖిరు దావానా అన్ అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. بارك الله في علمك. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہی منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہی منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. عزیز سامعین و سامعات, جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے طالبات جامعہ کا علمی مظاہرہ پیش کیا گیا, دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنایا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو علم دے گا اس کو کیسے بلند کرتا ہے. صرف ایک چھوٹے سے واقعہ بیان کر اپنے بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. شیخ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ, کون نہیں جانتا ابن عباس کو, سب بھی جانتے ہیں. یہ ان کی بچپن میں جو ہے, ان کے بچپن میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے اور ان کی ملاقات کے لیے ان کی خالہ ان کے گھر پر آتی ہے. جب عبدالعزیز یعنی ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد سوچتی ہیں کہ ابن عباس جو ہے سو رہا ہے, ابن عباس سو رہا ہے, یہ سوچ کر ان کی والدہ سے کہنے لگتی ہے کہ اب دیکھیے عبدالعزیز بیچارہ کیسے جی پائے گا, جس کی تو بینائی یعنی اس کی نگاہ جو ہے چلی گئی, نابینا ہو گیا ہے, اب یہ کیسے جی پائے گا اور اپنی ضروریات کیسے کر پائے گا. تو یہ ساری باتیں ابن عباس رحمہ اللہ جو سن رہے تھے, اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں, من عاش للہ
अग्नाहुल्लाह, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिएगा उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों से जो है बेनियाज कर देगा। यानी जो इंसान इल्म को हासिल करने के लिए लगा रहेगा उसे किसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजत नहीं करेगा। आज लोग समझते हैं कि दीनी तालीम हासिल करने से क्या फायदा होगा, ये ज्यादा जो है क्या हासिल करेगा, अपनी आखिरत संवारेगी, अपना घर संवारेगी, ऐसा नहीं है। जो इंसान अल्लाह के लिए इस इल्म को हासिल करेगा उसे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों से बेनियाज कर देगा। अब आइए मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे जामिया में जो है हसबे रिवायत के मुताबिक तालिबात के अंदर इल्मी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए, इल्मी सलाहियत को उनके अंदर परखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के अंदर शोबे इम्तिहानात मुनाकिद किए जाते हैं, जिसमें तमाम तालिबात साल भर में जो है 4 इम्तिहानात देंगे, जो दो 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 टेस्ट होंगे 10-10 नंबरात के और 40 नंबरात के, एक जो है आफुल्ली इम्तिहान होगा, चश्मा इम्तिहान होगा और 40 नंबरात का सालाना इम्तिहान होगा। अभी चूंकि पहला टेस्ट और चश्मा इम्तिहान हो चुके हैं, जिसकी मुनासिबत से जो है ये महफिल हमारे और आपकी मुनाकिद की गई है, लिहाजा जिन तालिबात ने इम्तिहान में अच्छी से मेहनत करके इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल की हुई है उनको मुंतजमीन जामिया उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कुछ इनामात मुकर्रर किए गए हैं। इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अब मैं जो तालिबात कामयाब हैं वो तालिबात अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें, जिन तालिबात कामयाब उनके सरपरस्त हैं वो उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बच्ची को इस दीनी तालीम हासिल करने के बाद, सही तालीम हासिल करने के बाद इम्तियाजी नंबरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बच्ची को कामयाबी से अदा नवाजा है। और वहीं पर जो तालिबात नाकाम है या फिर जो तालिबात कमजोर है वो जो है अपने दिल को छोटा ना करें, नाकामी कामयाबी की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है। इंसान को ठोकर लगने से तकलीफ तो होती है लेकिन इंसान को ठोकर चलना सिखाता है। अजीज सामईन, अब आइए बिना किसी ताखीर की हुई है मैं नाम लेता रहूंगा क्लासों के एतबार से फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्होंने भी हासिल की है पोजीशन उनके नाम लूंगा, वो तरतीब के साथ आ करके हमारे आज की महफिल के मेहमान खुसूसी फजलत शेख यूसुफ नसीर जामई मदनी हाफिज़ुल्लाह के हाथों से वो हासिल करें। सबसे पहले असफुल अव्वल से हुरिया मकबूल जिन्होंने 95% हासिल किया है, अव्वल दर्जा हासिल किया, वो आए अपना इनाम फजलत शेख यूसुफ नसीर जामई मदनी हाफिज़ुल्लाह के हाथों से हासिल करें। दूसरा इनाम रीता मकबूल इन्होंने हासिल किया है, रीता मकबूल इन्होंने 86% हासिल किया है, ये आए अपना इनाम हासिल करें। और इसी तरह असफुल अव्वल से तहसीन इन्होंने तीसरा इनाम हासिल किया है, 84% हासिल किए हैं, ये भी आए अपना इनाम हासिल करें। पहला इनाम हुरिया मकबूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह इन्हीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी नवाजे। दूसरा इनाम रिदा मकबूल, शायद दोनों बहना बहना है, हुरिया मकबूल रिदा मकबूल। तीसरा इनाम तहसीन, इब्तदाई से पहला इनाम हासिल करने वाले तालिबा नेहा जबीन जिन्होंने 84% हासिल किया है, पहला इनाम वो आए अपना हासिल करें। इसी तरह दूसरा इनाम आयशा जिन्होंने 82% हासिल किया है, वो आए अपना इनाम हासिल करें। तीसरा इनाम नूर जहां बेगम इन्होंने 78% हासिल किया है, ये आए अपना इनाम फजलत शेख यूसुफ नसीर जामई मदनी हफ्जुल्लाह से हासिल करें। दावा अव्वल की तालिबात तैयार रहें, दावा अव्वल में पहला पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा शेख हफ्सा जिन्होंने 87% हासिल किया है, वो आए अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह दूसरा इनाम हासिल करने वाले तालिबा सोसिन तैयबा जिन्होंने 85% हासिल किया है, वो आए अपना इनाम हासिल करें। तीसरा इनाम सुमैया जिन्होंने 84% हासिल किया है, वो आए अपना इनाम हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तालिबात को दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजे, जब भी जहाँ भी जिस मैदान में भी जाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए इनकी कामयाबी इन खत्म चुमें, आमीन।
और इसी तरह दावा इब्तदाई से, दावा इब्तदाई में पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा सिराजुल हैं, जिन्होंने 92% हासिल किया है, सिराजुल। दूसरा इनाम असमा, जिन्होंने 85% हासिल किया है। वो आए अपना इनाम फजलतुल शेख, आज महफिल के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, यूसुफ नसीर जामे मदनी हाफिज़ुल्लाह के हाथों से हासिल करें। तीसरा इनाम मिसबा, जिन्होंने 83% हासिल किया है, वो आए अपना इनाम शेख के हाथों से हासिल करें। अब इसके बाद फजलत के तालिबा, फजलत में जो तालिबा अव्वल नंबर पर पोजीशन हासिल की है वो है उज़्मा हजरत अहमद, जिन्होंने 96% हासिल किया है। वो आए अपना इनाम महफिल के खुसूसी मुकर्रर जो कि फजलतुल शेख यूसुफ नसीर जामे मदनी हफ्जुल्लाह के हाथों से हासिल करें। दूसरा इनाम आफीफा फरहीन उज़्मा, पहला इनाम उज़्मा और दूसरा इनाम आफीफा फरहीन, तीसरा इनाम तस्मिया, दूसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा का परसेंटेज है 95, तस्मिया जिनका परसेंटेज है 94, ये अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह फजलत साले अव्वल में पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा फरहत उज़्मा, जिनका परसेंटेज है 92, वो आए अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह दूसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा हुस्ना अंजुम, जिनका परसेंटेज है 84, वो आए अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह फजलत साले अव्वल में तीसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा नुसरत झा है, जिनका परसेंटेज है 83, वो आए अपना इनाम हासिल करें। उसके बाद खामिस की तालिबा असफुल खामिस में पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा समीना है, जिनका परसेंटेज 95 है। ये अपना इनाम हमारे मौलिम जामिया के मौलिम फजलतुल शेख अबू इब्राहिम हाशिम फैजी मदनी हाफिज़ुल्लाह के हाथों से हासिल करें। पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा समीना, जिनका परसेंटेज है 94। दूसरा इनाम मुफलिहा, जिनका परसेंटेज है 91। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा तंजीला, जिनका परसेंटेज है 91। मुफलिहा और तंजीला जिनका परसेंटेज जो है एक ही है, 91 91। टोटल मार्क्स में जो है इनका सिर्फ एक नंबर से जो है ये ऊपर नीचे आए हैं, एक नंबर से जो है इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है और एक नंबर कम आने की वजह से जो है तंजीला तीसरा नंबर हासिल किए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। असफुर रावे से फौजिया बतूल पहला पोजीशन हासिल की है, वो आए अपना इनाम हमारे मौलिम जामिया फजलतुल शेख अबू इब्राहिम हाशिम फैजी मदनी हफ्जुल्लाह के हाथों से हासिल करें, जिनका परसेंटेज है 86। फौजिया बदुल असफुर राबे से पहला पोजीशन हासिल की है, और जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा अरफिया मुबारक है, जिनका परसेंटेज है 84, ये आए अपना इनाम हासिल करें। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा उम्मे तस्लीम, जिनका परसेंटेज है 80, वो आए अपना इनाम हासिल करें। असफुस सालिस की तालिबात तैयार रहें। असफुस सालिस में पहला पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा फौजिया बानू, जिनका परसेंटेज है 88, ये अपना इनाम हमारे जामिया के मौलिम शेख सैयद नूर हफिजहुल्लाह के हाथों से हासिल करें, सैयद नूर हफिजहुल्लाह के हाथों से हासिल करें। और इसी तरह दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा असमा है असफुस सालिस के, और
जबकि असफुस सालिस में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा मोमिन आयशा निदा हैं, जिनका परसेंटेज है 79। ये आए अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह असफुस सानी की तालिबा तालिबात में से पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा बुशरा फातिमा है, जिनका परसेंटेज है 95। ये अपना इनाम आज के इस महफिल के सदर फजलतुल अख अबू अब्दुल्ला मुगल अब्दुल अजीज भाई, जो कि नाज़िम जामिया है, वो शेख के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। बुशरा फातिमा पहला इनाम है, जिनका फीसद है 95, जिनका परसेंटेज है। और इसी तरह दूसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा आफिया, जिनका परसेंटेज है 90। जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा असफुस्सानी की अरिशिया है, जिनका परसेंटेज है 85। ये आए अपना इनाम महफिल आज के इस महफिल के सदर, जो कि नाज़िम जामिया अबू अब्दुल्ला मुग़ल अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह हैं, उनके हाथों से हासिल करें। इसी तरह शोबे हिफ्ज़ की तालिबात तैयार रहें। इस क्लास में पहला और दूसरा के अलावा तीसरा इनाम जो है दो तालिबात ने हासिल किया है। मुंतज़िमीन ने तमाम तालिबात को जो है इनामात से नवाजने का जो है इंतजाम किया है। पहला इनाम हासिल करने वाली तालिबा है जोहदा अमन, जिनका परसेंटेज है 92। ये अपना इनाम हमारे फजलतुल अख अबू जाहिद अबू अब्दुल रज़ाक हफिज़हुल्लाह के हाथों से हासिल करें। शोबे हिफ्ज में दूसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा मुगल जिक्रा है, जिनका परसेंटेज है 91। वो आए अपना इनाम हासिल करें। तीसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा मुगल जोया अलमास है, जिनका परसेंटेज है 90। ये आए अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह इस क्लास में तीसरा एक और इनाम हासिल करने वाली तालिबा सलेना इमरान है, जिनका भी परसेंटेज है 90। ये भी आए अपना इनाम हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन तालिबात ने भी इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी जिन तालिबात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है, इनके हक में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह इन्हें कायम रखे, और जो तालिबात कमज़ोर हैं या पीछे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी बढ़ चढ़ करके इल्म हासिल करने और इनामात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने तराना पेश करने के लिए नजमा और उनके सहेली को दावत देता हूं, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनका तफज़ल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये बाग है जामिया निस्वा का ये बाग लगाया हीरा ने इस बाग में खून पसीने के दरिया फसल के खिलते फूलों से खुशबू को
फख्र बनाते उम्मत को, सुन्नत पे चलाया मीरा ने, ये बाग है जामिया निस्वा का, ये बाग लगाया मीरा ने। मिल्लत से जहालत दूर रहे और इल्म अमल का दौर चले, इस मकसद उज़्मा का बेड़ा जीजा से उठाया हीरा ने, ये बाग है जामिया निस्वा का, ये बाग लगाया हीरा ने। जो 14 सदी से नशर हुआ किया, यूं गा रहे हीरा के इफ़रा का, पैगाम सुनाया हीरा ने, ये बाग है जामिया निस्वा का, ये बाग लगाया हीरा ने। यूसुफ ये संगलाख जमी की वादी में गुंजों को खिलाया हीरा ने, ये बाग है जामिया निस्वा का, ये बाग लगाया हीरा ने। इस बाग में खून पसीने के दरिया को बहाया हीरा ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। देखिए एक चीज़ की वजाहत कर देना जो ये मुनासिब है, मैं समझता हूँ कि जामिया में उमूमन जो है हमारे जामिया का जो मुकम्मल कोर्स था वो 6 साल आलिमियत का था और फजलत 1 साल का कोर्स था, जिसमें जो है इंतज़ामिया ने मुंतज़िमीन ने तालिबात के लिए आसानी पैदा करने के लिए शॉर्ट कोर्स कर दिए थे, यानी 1 साल जो है कम कर दिए थे। अभी लॉकडाउन की वजह से जो है तालिबात के अंदर जैसी सलाहियत है जैसा इल्म हासिल करना था वैसे जो है हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं सब मुतासर हुए हैं, हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं सब इदारे जो है तालीमी इदारे इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह से जो है मुतासर हुए हैं और तालिबात के इल्म भी जो है इस चीज़ से मुतासर हुआ है। लिहाजा इस साल जो है जामिया मुंतज़िमीन जामिया ने जिस कोर्स को 1 साल के लिए तख़फ़ीफ़ कर दिया था, 1 साल तख़फ़ीफ़ हो गई थी यानी 1 साल हटा दिए थे, उसको जो मजीद वैसे ही बरकरार रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबा जो अभी इस साल खामिस के जो तालिबा पढ़ रही हैं असफुल खामिस जो तालिबात हैं वो साजिश पढ़ करके इंशाल्लाह फजलत को जाएंगे, फजलत करेंगे। इस साल जो है असफुल खामिस की तालिबात के सरपरस्त जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों के लिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि आपकी बच्ची इस साल खामिस पढ़ने के बाद साजिश पड़ेगी, साजिश के बाद जो है इंशाल्लाह फजलत करेगी, यानी 1 साल जो हम पिछले मरतबा जिस तरह हुआ करता था उसी तरकीब में जो है जम कर दिया गया है ताकि तालिबात को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पहुंच सके। अब आइए
इस महफिल के अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी फजलत शेख यूसुफ नसीर जामे मदनी हफिज अल्लाह को मैं दावत देने से कबल शेख मोहतरम का मुख्तसर तारुफ जो है मैं आप लोगों के सामने बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। शेख का नाम है फजलत शेख अबू असका यूसुफ नसीर जामे मदनी हफिज अल्लाह है। आपका आबाई वतन यमनूर से ताल्लुक रखने वाले हैं, सूबे आंध्र प्रदेश और जिला कर्नूल से। आपकी इब्तदाई तालीम ता इंतहाई जामिया मुहम्मदिया रायदुर के अंदर आपने तालीम हासिल की। वहां से आपने 2013 से सनद फरागत हासिल करने के बाद आप हफीजाबाद ने गुलबर्गा के अफजलपुर शहर के अंदर बाहसियत इमाम व खतीब और दाई की हैसियत से वहां पर चंद दिन इमाम अंजाम देते रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से शेख मोहतरम की मंजूरी जामिया इस्लामिया मदीना मनवरा से आई, जिसके आला तालीम के दर्द से शेख मोहतरम ने 2015 में मदीना मनवरा की तरफ रुख किया आला तालीम के लिए। और वहां जाकर के आप हज़रत सरदार ने कुलियत शरिया के अंदर अपना दाखिला लिया और वहां पर आप हज़रत सरदार ने कुलियत शरिया से 2019 में फारिग हुए। अभी फिलहाल शेख मोहतरम नल्लूर की मरकज मस्जिद ATIC के अंदर इमाम और खतीब की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखिए शेख के तारुफ में ये चीज बयान कर देना मैं ज्यादा मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि पढ़ाई के दौर में मैं भी जो है शेख का जो है एक अदना सा एक मतलब शेख सीनियर थे और मैं जूनियर था। जब भी कोई इश्काल पैदा होता, जब भी कोई चीज असबाब समझ में नहीं आती तो शेख की तरफ रुझू होता था। शेख जो बड़े ही शफकत और प्यार भरे अंदाज में समझाया करते थे और इसी तरह खुसूसन शेख के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सलाहियत रखा है जो फन खिताबत के अंदर शेख मोहतरम से कमाल का दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। और पढ़ाई के दौरान ही में हम सब जो है तलबा जो है किताबों से तकारीर लेकर के उससे रट करके तकारीर किया करते थे, तो शेख मोहतरम जो है खुद अपने से बना करके तकारीर जो है अच्छे अंदाज में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते थे। और वो तकारीर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जामिया के अंदर जो है टॉप रैंकर जो है टॉप हिस्से में जो है आया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत जो है आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। अब मैं बिना किसी ताखीर खुसूसी खिताब के लिए मैं शेख मोहतरम को शेख के साथ दावत करता हूँ। आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, खून तो खून थे कांटों से भी आई खुशबू, सहने चमन को अपनी बहारों में नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों में नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों में छा गए। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत शेख अबू हस्ता यूसुफ नसीर जामे मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना खिताब शुरू करें। शेख का मौजू है दीनी तालीम की नशर इशाअत में सरपरस्तों का किरदार, यानी दीनी तालीम हासिल की नशर इशाअत के दीनी तालीम की नशर इशाअत में सरपरस्तों का क्या किरदार होना चाहिए, इंशाल्लाह इस मौजू पर शेख मोहतरम आप लोगों के सामने खिताब फरमाएंगे। उम्मीद है कि तमाम सामईन बगौर समाज फरमा कर उससे मुस्तफीद होंगे। कुल तफज़ल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها رواه البخاري حديث نمبر 2604 قابل احترام صدر محفل دائز پر جلوہ افروز علماء کرام و معلمات سامعین میں بیٹھے علماء کرام اسلامی ماں اور بہنوں پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثناء کبریائی و بڑائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی انہی نعمتوں میں ہمیں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا انگنت ولا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین و سامعات آج جس مناسبت سے ہم یہاں جڑے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہے ورنہ ہم جیسے کئی اور ہیں جو چوراہوں پر بھٹک رہے ہیں جو اپنی دنیاوی مصروفات میں مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک پاکیزہ محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس محفل کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایسے محفلوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسی محفلوں پر اللہ کی رحمتیں چھا جاتی ہیں ایسی محفلوں میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کیونکہ اللہ نے ایسے حسین مواقع ہمارے لئے فراہم کیے میں یہاں بیٹھے والدین کو اساتذہ کو
मुबारकबादी पेश करता हूं कि ये उम्मत के नौनहाल बच्चे जो आपकी कोख से निकलकर यहां हिरा की कोख में पहुंचे हैं, यहां अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करके उम्मत मुहम्मदिया के शिर्क और बिदात को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन बच्चियों की इन कावशों कोशिशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा और आपके सरों पर जन्नत का ताज पहनाएगा। वो वालिदैन बड़े खुशनसीब हैं जिनके बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, और वो असातिज़ा बड़े खुशनसीब हैं जिनके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और बिला मुबालगा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो बच्चे भी बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें ऐसे वालिदैन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किए जहां दुनियावी ख्वाहिशात इनके पूरे किए जाते हैं, वहीं पर इन बच्चियों की फिक्र में वालिदैन ने अपना खून पसीना एक करके इन इदारों के हवाले किया। इन वालिदैन ने अपनी रात की नींदों में भी शायद के तुम्हारा नाम लिया होगा, तुम्हें याद किया होगा। तो ये सारे बच्चे बड़े खुशनसीब हैं जो ऐसे वालिदैन अल्लाह ने तुम्हें अता किया, और ये बच्चे बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने ऐसे मुअल्लिम और मुअल्लिमात अता किए जो अपना वक्त आपके लिए लगा रहे हैं, और ऐसे जिम्मेदारान आपको अता किए जो अपना वक्त आपके लिए लगा रहे हैं। अब यहां सारी तमहीदी कलिमात का खुलासा एक ही बात है, हमारे यहां जुड़ने का मकसद सालों साल हिरा की खिदमात, सालों साल मुंतज़मीन जो हिरा है इनकी काविशें, मुअल्लिम व मुअल्लिमात इनकी खिदमात जो हैं, सारी इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को नशर इशाद करना है। मैं ज्यादा तमीजी कलिमात न कहते हुए आप तमाम को अपने मौजू की तरफ लाना चाहता हूं। मौजू है दीनी तालीम की नशर इशात में सरपरस्तों का किरदार। ये उन्वान तीन बातों पर मुश्तमिल है। पहली बात है दीनी तालीम, और दूसरी बात है उसकी नशर इशात, और तीसरी बात है सरपरस्तों का किरदार। वालिदैन का किरदार, जिम्मेदारों का किरदार। तो इन तीन बातों पर आज का यह उन्वान मुनहसिर है। मेरे भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दीनी तालीम की इतनी अहमियत बयान की शायद के उसके बाद ही सारी अहमियतों को बयान किया गया है। इसकी दलील ये कि मशहूर वाकया, मशहूर बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो सबसे पहली आयतें नाजिल फरमाई वो इल्म के बारे में थी। पढ़ने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाया, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم। यहां देखिए इल्म का ये फायदा है कि जब आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इसका तर्जुमा गर्दिश करने लगता है, और हमारे आम लोगों को इसका तर्जुमा मालूम नहीं होता। तो ये जो बच्चे हैं इनके जहनों में इसका तर्जुमा आ चुका है। तो ये इल्म का सबसे बड़ा फायदा है कि रब को हकीकी तौर पर पहचाना जा सकता है, अल्लाह की हकीकी मारिफत इसमें मख्फी है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबसे पहला हुक्म इल्म से मुताल्लिक दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीनी तालीम पर जोर दिया है। सहाबा की तो तरबियत आप किया करते थे, जहां सहाबा की तरबियत हो रही है वहीं पर सहाबियात की भी तरबियत का आप बखूबी ख्याल किया करते।
सही बुखारी की हदीस है, किताबुल इल्म की हदीस, हदीस नंबर 101, जिसमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वातीन शिकायत लेकर पहुंची और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये शिकायत करने लगी कि आप सहाबा को तो दर्स दे रहे हैं, सहाबा की तरबियत तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी ख्वाहिश रखती हैं कि हमारी भी रिवाज और नसीहत की जाए, हमारे लिए भी नसीहत की जाए, हमें भी शरीयत मुतहरा से आरास्ता वो पैरास्ता किया जाए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए हफ्ते में एक दिन का इंतखाब किया और उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मसाइल समझाते, उन्हें वाद और नसीहत फरमाते, उन्हें बड़ी प्यारी प्यारी बातें बतलाते। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये बात मालूम होती है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीनी तालीम पर जोर दिया है और औरतों की तालीम पर भी जोर दिया है। आज उम्मत मुहम्मदिया में, मौजूदा दौर में, वालिदैन में, सरपरस्तों में चार किस्म के लोग पाए जाते हैं। इल्म के एतबार से, अपने बच्चों के सिलसिले में सोचने के एतबार से चार किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले किस्म के वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ असली तालीम देना चाहते हैं, दुनिया की तालीम पढ़ाना चाहते हैं और उन्हें दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता, और ये वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें और दुनिया के पैसे कमाएं, दुनिया कमाएं। वालिदैन की दूसरी किस्म है जो अपने बच्चों को असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलवाना चाहते हैं, असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलवाना चाहते हैं, और ये वालिदैन बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि ऐसे वालिदैन की, ऐसे सरपरस्तों की तारीफ बयान की गई है। और इसी तरह तीसरी किस्म के वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाना चाहते हैं, असली तालीम नहीं पढ़ाना चाहते। असली तालीम हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाएंगे, ये तीसरी किस्म के लोग। और चौथे किस्म के सरपरस्त वो हैं, चौथे किस्म के वालिदैन वो हैं जो माशी हालात में, मजबूरियों में, जिंदगी की तंगी में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों को काम काज के लिए भेज देते हैं और उन्हें तालीम से महरूम कर देते हैं। बच्चा सुबह से शाम तक काम करके आए या बच्ची सुबह से शाम तक मिशन वगैरह सीकर आए, कपड़े सीकर आए, जो कुछ मजदूरी लाएगी उसी से घर चलेगा, ये सोचकर बच्चों को तालीम से दूर रख देते हैं। ये चौथी किस्म के वालिदैन हैं, चौथी किस्म के सरपरस्त हैं। और ऐसे वालिदैन, ऐसे सरपरस्त अपने बच्चों के हक में सबसे बड़े खाइन हैं, खियानत करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद जो अता किया ये बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से मुताल्लिक हर माँ से सवाल किया जाएगा, हर बाप से सवाल किया जाएगा, हर सरपरस्त से सवाल किया जाएगा, हर जिम्मेदार से सवाल किया जाएगा कि इस औलाद को आपने क्या पढ़ाया, क्या सिखलाया, इसकी दीनी तरबियत कैसे की, इसकी नशोनुमा कैसे हुई, इसकी परवरिश कैसे हुई। और ये जो बच्चियां हैं इनसे मुताल्लिक वालिदैन से ये सवाल भी जरूर किया जाएगा कि इन बच्चियों को तुम किस घराने में शादी की, कहां इनसे इनका रिश्ता करवाया, कैसे घर में इनका रिश्ता किया। यानी बच्चों से मुताल्लिक अल्लाह ताला सवाल करने वाला है। दलील सही बुखारी की हदीस है, जैसा कि मैंने शुरू में इस हदीस को आपके सामने पढ़ा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स जिम्मेदार है और वो अपनी जिम्मेदारी से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, हर मर्द हर औरत जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा या पूछी जाएगी। एक इमाम जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी का, और उसकी जिम्मेदारी से मुताल्लिक अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, और एक मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अल्लाह ताला उससे मुताल्लिक उस मर्द से सवाल करेगा, और एक औरत अपने घर की, उसके शोहर के घर की और उसके बच्चों की जिम्मेदार है, अल्लाह ताला उस औरत से भी उसकी जिम्मेदारी से मुताल्लिक सवाल करेगा। तो बहरे कैफ
इन बच्चों के बारे में हमसे सवाल किया जाने वाला है। और देखिए ये बच्चियां बच्चे जो दीनी तालीम के लिए आगे बढ़कर अपने दिन और रात इसमें लगाकर जुस्तजू के साथ मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा, शर्त ये कि तुम अपने बच्चों के लिए वो सहूलतें फराहम करें जो जिन सहूलतों को अपना कर ये बच्चे दीनी तालीम अच्छे अंदाज में हासिल कर सकें। तो हमें दूसरी किस्म के वालिदैन बनना चाहिए जो ये चाहते हैं कि अपने बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करें असरी तालीम भी हासिल करें। और सुभान अल्लाह, मैं और आप यहाँ बैठे बैठे सुन रहे थे कि बच्चियां दीनी तालीम के साथ साथ दीगर जुबानों में भी तकरीरें कर रही हैं, तेलुगु जुबान में, अरबी जुबान में, अंग्रेजी में, कितनी प्यारे अंदाज में ये तकरीरें थी। सुभान अल्लाह, ऐसा मालूम हो रहा है जिस बहन ने उर्दू जुबान में तकरीर फरमाई गोया कि एक लश्कर को वो डरा रही है, एक लश्कर को अल्लाह की कयामत के मंजर से, अल्लाह की कयामत के हौलनाकियों से, अल्लाह की सारी इन वईदों से डरा रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि एक लश्कर से वो मुखातिब है। और इसी तरह जिस बहन ने अंग्रेजी जुबान में तकरीर की ऐसा मालूम हो रहा है कि बड़ी बड़ी ऑफिसों में वो गुफ्तगू कर रही है, बड़ी बड़ी ऑफिसों में अंग्रेजी बोल रही है। और जिस बहन ने बजुबान तेलुगु बयान किया है, सुभान अल्लाह, हमारे इलाके के एतबार से ये जुबान बड़ी ही काबिल कबूल है और होना भी चाहिए। और इस जुबान में कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इंकलाब भी पैदा किया है, इस जुबान के जरिए कई लोग इस्लाम कबूल किए हैं। हमारे सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों तेलुगु जुबान में भी जो अंदाज बयान किया गया सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज था। और इसी तरह दीगर जो जुबानों में तकरीरें थी सुभान अल्लाह, बिलखुसूस जो तराना ये जामिया पेश किया गया, शेख यूसुफ जमील रहमतुल्लाह का ये बनाया हुआ तराना आज भी हमें उनकी याद दिलाता है। जब कभी हम शेख यूसुफ जमील साहब रहमतुल्लाह के इन कलाम को सुनते हैं, कलिमात को सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मोहतरम अभी हमारे दरमियान का हयात है, लेकिन वो हमारे दरमियान नहीं है, उनका कलाम ने उन्हें हमारे दरमियान जिंदा रखा है। तो ये इल्म वालों की पहचान होती है कि वो इंतकाल तो हो जाते हैं लेकिन उनका कलाम, उनका इल्म, उनका मर्तबा हमारे दरमियान उन्हें जिंदा रखता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। हाज़रीन जमात, दीनी तालीम की इस्लाम में बड़ी अहमियत बताई गई और मैं समझता हूँ कि इसको आप बखूबी जानते भी हैं। जैसा कि बहुत सारी तकरीरें होती हैं इल्म की अहमियत पर, इल्म की फजीलत पर, और इसमें बहुत सारे नुसूस पढ़े जाते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि इस इल्म की नशर इशात कैसे की जाए, इस इल्म को हम कैसे फैलाएं। बच्चियां तो बहुत पढ़ रही हैं लेकिन जिस तरह काम होना है वो काम हमें नजर नहीं आ रहा है। ये बच्चियां पढ़ने के बाद कहाँ जा रही हैं, ये बच्चियां पढ़ने के बाद किस तरफ इनका रुख हो रहा है, ये हम सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि इस बारे में हम गौर सोचें, समझें कि हमारी बच्चियां पढ़ने के बाद क्या कर रही हैं। क्यों मेरे भाइयों, इसलिए कि एक सही रिवायत मिलती है जिस किसी से उसके इल्म से मुताल्लिक कोई चीज का सवाल किया जाए, किसी चीज का सवाल किया जाए, यानी कोई सवाल उससे किया जाए और उसका जवाब उसके पास है, उसका इल्म उसके पास है, इसके बावजूद वो जवाब नहीं दे रहा या जवाब नहीं दे रही है, तो फिर समझ लें अल्लाह ताला उसको आग की लगाम पहनाएगा, आग की लगाम उसके मुंह में डाल दी जाएगी। तो ये सही रिवायत है जिसको अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। बहरे कैफ, शायद कि हमारा शुमार उन लोगों में से हो जाए जो इस हदीस के मिसदाक ठहर रहे हैं, यानी पढ़ने के बाद बच्चियां कहाँ जा रही हैं, ये बड़ी संजीदगी के साथ सोचने वाला मामला है। अब इसमें जब हम गौर करते हैं तो एक चीज हमें जो नजर आती है वो ये कि जिन घरों में हम बच्चियों की शादियां कर रहे हैं वो घर उन्हें दावत और तबलीग की सहूलियात फराहम नहीं करते, जिसकी वजह से ये बच्चियां बेचारी मजबूर बनकर रह जाती हैं और दावत और तबलीग का काम नहीं कर पाती। और इसकी दूसरी वजह यह समझ में आ रही है कि जैसे ही जामिया से फरागत हो जाए
वालिदैन खुद उन्हें यहीं पर रोक देते हैं, आगे खिदमत का मौका नहीं देते, आगे उन्हें बढ़ने का मौका नहीं देते, और ये कहते हैं कि हमने तुझे यहां तक पढ़ाना था, पढ़ा दिया, अब आगे जो है हमने तुझे इसलिए पढ़ाया है ताकि तू जिंदगी के मसाइल समझ ले, पाकी सफाई के मसाइल जान ले, फिर उसके बाद तेरी हद यहीं तक है। तो वालिदैन भी कहीं ना कहीं बच्चियों को रोक रहे हैं। तो ऐसे बुनियादी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें जो नतीजा निकलना है वो नतीजा हमारी आंखों के सामने नहीं आता। अगर यही फिक्र आज जो वालिदैन अपने बच्चों से मुतालिक रखें, ये फिक्र अगर असलाफ में सलफ सालिहीन की माओं ने अगर रखा होगा, उनके सरपरस्तों ने रखा होगा, उनके वालिदैन ने रखा होगा, तो आज जिस अंदाज में सही दीन हम तक पहुंचा है वो दीन नहीं पहुंच पाता। क्यों? इसलिए कि सलफ सालिहीन में ऐसे सरपरस्त मिलते हैं, ऐसे वालिदैन मिलते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियों की उनकी कहे कदरदानी करते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, और यही बच्चे आगे चलकर सुभान अल्लाह इंकलाब पैदा किए। बतौर मिसाल तारीख में एक खातून का तस्किरा मिलता है जो माँ का किरदार अदा कर रही है। यहाँ बैठी हर माँ को ऐसी खातून बनना चाहिए। माँ जिसकी कोख में एक बच्चा था, अभी यतीमी की हालत में, यानी अभी सिन्ने बुलूगत से पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा बिल्कुल छोटा है, माँ के दिल में ये आरजू थी कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने। सुभान अल्लाह, आज हमारी माएं क्या चाहती हैं? मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा फुला बने फुला बने। गलत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर की ख्वाहिश करना गलत नहीं है मेरी माओ बहनों, लेकिन दीनी तालीम से महरूम होकर इन चीजों की ख्वाहिश करना ये गलत है, ये गलत है। बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात होगी। फिर उसने हलके हिफ्ज में ले जाकर बिठाया, मासूम सा हाथ पकड़ कर ले गया और उस्ताद के पास बिठा दी। बच्चा पढ़ता पढ़ता हाफिज कुरान हो गया। जब कुरान के हिफ्ज से उसने फरागत हासिल कर ली, अब बच्चे के अंदर शौक था, जज्बा था, आगे बढ़ने का जज्बा था। माँ भी देखिए उस बच्चे के जज्बे की कदर करते हुए उस बच्चे को आगे एक ऐसे हलके में ले जाकर बिठाती है जहां हदीस का दर्स होता है, ऐसा हलका जहां अहादीस की तालीम होती है, अहादीस के हलके में ले जाकर बिठाती है। एक दिन बच्चा आकर ये शिकायत करता है कि अम्मी जान उस्ताद मोहतरम हदीस पढ़ते हैं, मैं ख्वाहिश करता हूं कि उस हदीस को लिखूं, लेकिन लिखने के लिए मेरे पास औराक नहीं है, लिखने के लिए मेरे पास कागज नहीं है। वालिदा बच्चे की इस फरमाइश पर कोशिश करती है, कोशिश ऐसी कि खरीदने के लिए वालिदा के पास पैसे नहीं। सुभान अल्लाह, मेरी माओ बहनों तुम्हारे लिए इसमें बड़ा सबक है, बड़ा सबक है। माँ के पास औराक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, माँ के पास कागजात खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वक्त के बादशाह के पास जाती है, उसके दरबार में देखती है जो लोग गुजरा जो काम करते हैं लिखते हैं, जो पेपर वेस्ट होता है जाया होता है उसको मरोड़ कर कोने में फेंक दिया गया है। माँ ऐसे पेपरों को ऐसे कागजात को इकट्ठा करती है, एक एक करके जमाती है और उसमें से जो हिस्सा खाली है उसको फाड़ देती है, जो हिस्सा लिखा हुआ है जाया है उसको निकाल देती है, और ऐसा एक एक कागज जमा कर अपने बच्चे के सुपुर्द करती है। कहती है बेटा ये औराक तेरी अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करना, ये औराक तेरे लिए अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करना। ये बच्चा टूटे फूटे फटे फूटे औराक लेकर महफिले यानी ऐसी महफिल में पहुंचता है जहां हदीस का इल्म हो रहा है, हदीस की तालीम हो रही है। बच्चा बैठता है इन औराक पर लिखता है, इन औराक से पढ़ता है, अहादीस याद करता है। आगे उस बच्चे ने इतना बड़ा इंकलाब पैदा किया, सुभान अल्लाह, आज मैं और आप उसकी किताबों के प्यासे थे, मैं और आप उसकी इबारतों के प्यासे थे। उसके बगैर हम दीन को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि उस बच्चे का शुमार दीन के चार बड़े अइमा में से होता है। सुभान अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा जिसकी तरबियत मां ने इस अंदाज में की थी,
सुभान अल्लाह, आगे चलकर ये बच्चा हमारे और आपकी आंखों में इबारत में उसका नाम पढ़ने को मिलता है जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई रहिमहुल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह की ये जिंदगी है, जब आप बिल्कुल छोटे थे माँ की ये तड़प थी कि बच्चा पढ़ ले, बच्चा एक मरतबा पढ़ लिया जज्बा पैदा हो गया और उस जज्बे की कदर माँ ने की। अगर उस दिन माँ उसके जज्बे की कदर नहीं करती तो शायद आज इमाम शाफ़ई की जितनी किताबें हैं आज लाइब्रेरियां उससे खाली होती, आज लाइब्रेरियां उससे महरूम रहती। और हम उलमा जिनको कहते हैं बड़े बड़े उलमा, छोटी के उलमा जिनके सामने मैं और आप कुछ नहीं है, ऐसे उलमा इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के इबारतों के प्यासे हैं, उनकी किताबों के प्यासे हैं। देखिए, एक सरपरस्त बाप का इंतकाल हो गया, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे के सर पर किसकी सरपरस्ती चल रही है? माँ। माँ, माँ ने ऐसी तरबियत की कि वो बच्चा वक्त का इमाम बन गया। और औरतों ने बड़ा कमाल दिखाया है इल्मी मैदान में। हमारी औरतें जो सलफ़े सालेहीन में से पाई जाती हैं, इल्म का वो मुकाम मर्तबा रखा करती, सुभान अल्लाह कई शागिर्द उनके पास आकर पढ़ते। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके मुस्तकबिल को रोशन बना दे, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, अल्लाह सुभान व तआला इनकी जिंदगियों में खैर बरकतें नाजिल फरमाए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही बच्चे औरतों के पास आकर दीनी तालीम हासिल करते थे। देखिए, यहाँ ये बात मालूम होती है कि औरतों को भी दीनी तालीम के नशर व इशाअत करना चाहिए। जैसा कि इस वाकये से मालूम हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे आकर औरतों के सामने बैठकर दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, और पढ़ते पढ़ते उन छोटे बच्चों में से एक बच्चा आगे चलकर इमाम अहले सुन्ना बन गया। कौन है इमाम अहले सुन्ना, कोई नाम बता सकते हैं? इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की जो असातिज़ा की फहरिस्त है, जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया है, उसमें से एक खातून का भी नाम मिलता है जिसका नाम अमरा बिनते अब्दुर्रहमान। अमरा बिनते अब्दुर्रहमान वो पाए की आलिमा फकीहा मुफ्तिया थी, जिनके इल्म के प्यासे बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है इनके हलके में हजारों लोग औराक लेकर कलम लेकर बैठे रहते कि अमरा बिनते अब्दुर्रहमान से कोई बात निकल जाए और हम इसको नकल कर लें और इस पर लिख लें। तो ये खातून का कमाल था जिसके पास पढ़ने के बाद एक बच्चा आगे चलकर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह बन रहा है। सुभान अल्लाह। देखिए, खवातीन अगर चाहें बड़े से बड़े इंकलाब पैदा कर सकती हैं। इंकलाब की दुनिया में इनका नाम है, लेकिन आज हम इनकी कदर कीमत को भुला दिए। और खवातीन को हम क्या समझते हैं कि चार दीवारी में रहे और किचन रूम में रहे, मतान में रहे, खाना बनाए और अच्छा इंतजाम करे, सोने वगैरह का अच्छा इंतजाम हो, घर बार की देखभाल हो और बच्चों की निगरानी हो, इसके साथ साथ दीनी तालीम से भी वो आरास्ता और पैरास्ता होना चाहिए। क्योंकि वो कौम हमेशा बेदार रहती है जिस कौम की औरत बेदार रहती है। इसीलिए शायर कहता है वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है, वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है। दुल्हन के लिए जेवर तालीम से बढ़कर बाबुल का बाबुल किसी यानी बाबुल का कोई तोहफा और नहीं है। यानी दुल्हन के लिए जो जेवर तालीम का जेवर पहनाया जाता है बाबुल यानी उसके बाप के घर से, बच्ची के बाप के घर से, इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस शेर में भी ये बताया जा रहा है कि जिस कौम की औरत बेदार होती है वो कौम हमेशा शान और शौकत वाली होती है। लिहाजा यहाँ ख्वातीन की मजलिस है। वैसे तो मर्द अहबाब हैं लेकिन कसरत इनकी है, पढ़ने वाले ये हैं, इसलिए मैं ज्यादा इनकी तरफ बोल रहा हूँ। लिहाजा हमारे मर्द अहबाब नाराज ना हो, क्योंकि आज की महफिल हम इनके नाम कर देंगे। हम बहुत से प्रोग्राम वगैरह हम अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी बच्चियों के लिए, हमारी ख्वातीन के लिए गुफ्तगू हो। तो मेरे भाई बहनों, ये बातें जो हमें सलफ सालेहीन की जिंदगियों से मिलती हैं, उनमें सबसे अहम बात दीनी तालीम हासिल करना तो किताब और सुन्नत में मौजूद है, इसके साथ साथ उसके नशर व इशाअत का भी हुक्म है। जैसा कि सलफ सालेहीन में
जो असलाफ की माएँ हैं उनसे हमारा हमें ये सुनने को मौका मिल रहा है, ये सुनने का मौका मिल रहा है। और इसी तरह देखिए सरपरस्तों का किरदार क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात सरपरस्तों के लिए ये है कि बच्चियों की विलादत पर घबराना छोड़ दें। औलाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है, बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती हैं, बेटे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होते हैं, तो किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो घबराना छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे भाई घबरा जाते हैं। अब जहेज का मसला है, फुला मसला है, वो मसला है, ये मसला है, नहीं, आप कौन होते हैं इन बच्चों के मसाइल हल करने वाले? मसाइल हल करने वाली जात अल्लाह की जात है, बस जरिया आपको बनाया गया है। और आप लाख कोशिशें कर ली, आपसे कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ होता है अल्लाह की जात से होता है। लिहाजा बच्चों की बच्चियों की विलादत पर घबराना छोड़ दे, सबसे पहली बात यही है, सबसे पहली बात यही है। और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम में बाज वालिदैन ऐसे हैं कि बच्ची की विलादत पर घबराते हुए परेशान होते हुए उसको आलिमा बनाते हैं। क्यों? जब बच्ची आलिमा बनेगी तो इसको बगैर जहेज के शादी कर लिया जाएगा। ये फिक्र आज हमारे जिम्मेदारों में सरपरस्तों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहां मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं, जहां लड़कियों के पढ़ाने की फिक्र हमें है, वहां हम लड़कों के पढ़ाने की फिक्र भी करना चाहिए। देखिए यहां जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, हमारे घरों में बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो हम क्या चाहते हैं? बच्चियों को आलिमा बनाए और बच्चा जो चाहे वो बने, जो चाहे वो बने। अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश है, उसे उस तरह बना देते हैं। और वो बच्चा ऐसा निकम्मा हो जाता है कि आपके इंतकाल के बाद उसको आपके हक में मगफिरत की दुआ करना भी नहीं आता। ये बच्चियां हैं सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए अपने हाथों को उठाएंगे रब्बुल आलमीन की बारगाह में, तुम्हारे हक में मगफिरत की दुआएं कर सकती हैं, तुम्हारे हक में मगफिरत की दुआएं कर सकती हैं। और मेरे भाइयों, ये बच्चियां हैं, अगर इन्होंने उम्मत के साथ बिल्कुल अमानतदारी के साथ काम किया तो अल्लाह ताला इन्हें जन्नती बनाएगा। और जन्नत में जाने से पहले ये लाडली बच्चियां अल्लाह से ये शिकायतें करेंगी, अरे अल्लाह ये मेरा बाप है, अरे अल्लाह ये मेरी फुलां माँ है, मैं इसके बगैर जन्नत में नहीं जाना चाहती, मैं इसके बगैर जन्नत में नहीं जाना चाहती। और यहाँ बैठी बच्चियों में से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई है जो अपने वालिदैन को जहन्नम के हवाले करके आप जन्नत में जाए? नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि तुमने इन्हें दुनिया दिखाई, तुमने इन्हें दुनिया में वो चीज बताई जिस चीज से इन्होंने जन्नत हासिल करना सीख लिया, तो ये बच्चियां तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो सबसे पहली बात ये कि जहेज की फिक्र में, जहेज के डर से बच्चियों को आलिमा बनाना छोड़ दे। अल्लाह के लिए इखलास के साथ और इस इरादे के साथ आलिमा फादिला बनाए कि मेरी बच्ची पढ़ने के बाद 10 बच्चों के काम आएगी, मेरी बच्ची पढ़ने के बाद उसका इल्म मैं अपने मोहल्ले वाले में बांटूंगा, मैं अपनी बच्ची के इल्म को अपने खानदान वालों में बांटूंगी। इस इरादे से बच्ची को पढ़ाएं, फिर देखिए बच्चों को पढ़ाने का जो नतीजा हमारे सामने आना है वो नतीजा बिल्कुल सामने रहेगा। सबसे पहली चीज बच्चियों की विलादत पर घबराना छोड़ दें, और दूसरी चीज इनके जहेज की फिक्र ना करें, इनके मामले में आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आपको इसके कतान इजाजत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हाँ, जरिया आपको बनाया गया, आप कमाएंगे, आप जमा करेंगे, आप उसके लिए फिक्रमंद रहेंगे, लेकिन इसको लेकर घाबरे होकर परेशान होकर आप अपनी बच्चियों के साथ इस तरह का मामला नहीं कर सकते। नंबर 3, बच्चियों को जिस इदारे में आप पढ़ाते हैं वहां से बच्चियां पढ़ने के बाद उस इदारे को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और बच्चियां यहां बैठी हर बहन, यहां से पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी इस इरादे से तुम्हारा ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे ये इदारा हो, कोई भी हमारा सलफी इदारा हो, जहां से हमारी बच्चियां पढ़कर निकलती हैं, सबके लिए पैगाम है,
जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी मुअल्लिमात को ना भूलें, अपने असातिज़ा को ना भूलें, अपने सरपरस्तों को ना भूलें, तभी जिंदगी के कदम कदम की ठोकरों से तुम बचते रहोगे। अगर तुम इदारे को भूल जाओगे, मुअल्लिमात को भूल जाओगे, असातिज़ा को भूल जाओगे, सरपरस्तों की कदर नहीं करोगे, जिंदगी के एक एक लम्हे एक एक कदम पर तुम्हें ठोकर लगेगी, और ऐसी ठोकर लगेगी संभलना मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरी बहनों, जिस इदारे का हमने रिस्क खाया हो, उस इदारे के इस इदारे को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये बात याद रखी, जब कभी हम अपने इदारे को, अपने मादरे इल्मी को याद करते हैं, सुभान अल्लाह, आंखों से आंसू निकलते हैं। उनकी खिदमत क्या है हमारे लिए, घर घर जाते, चावल इकट्ठा करते, चंदे इकट्ठा करते, और उन्होंने कितनी मेहनतों से हमें पढ़ाते हैं, और हम पढ़ने के बाद इन इदारों को अगर भूल जाते हैं, तो मैं समझता हूं इस रुई जमीन पर हमसे बड़ा खियानत करने वाला कोई नहीं, हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, हमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं। लिहाजा वफादारी करना चाहिए, वफादारी से काम लेना चाहिए। हाँ, ये बात भी इंसाफ वाली है, जिम्मेदार आते रहेंगे, जिम्मेदार बदलते रहेंगे, जिम्मेदारों में बाज अच्छे रहेंगे, बाज खराब भी निकलेंगे, लेकिन जो जिम्मेदार खराब होते हैं, जिन जिम्मेदारों के दामन पर दाग होता है, इन जिम्मेदारों की वजह से इदारे के ऊपर तभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये इंसाफ की बात है, गर्चे के मेरी बात किसी को कड़वी जरूर महसूस हो। तो मेरे माओ बहनों, मेरे भाइयों, ये अहम चीज है कि जिस इदारे में हम पढ़ते हैं, उसके साथ हमारा ताल्लुक हमेशा रहना चाहिए। ये ताल्लुक का फायदा क्या है, हम जिस इदारे से ताल्लुक रखते हैं, उसका बड़ा फायदा क्या होता है, फायदा सुनने। आप जिंदगी के मसले में परेशान रहें, आप अपनी मुअल्लिमा से बात कर सकती हैं, अपनी टीचर से बात कर सकती हैं। यहाँ जो मुअल्लिमा बैठी हैं, आपकी रूहानी माएं, जो माँ आपका घर सुधारने की फिक्र करती है, वही माँ आपकी आखिरत सुधारने वाली है, और ये माँ आपकी आखिरत के साथ आपका घर भी सुधारने की फिक्र रखती है। लिहाजा जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं, जो मसाइल सरपरस्तों से नहीं बताए जाते। क्यों? यहाँ बहुत सारी बच्चियां जिम्मेदार बैठी हैं, जिम्मेदार बच्ची ये चाहती है कि मेरी ये मसाइल, मेरी ये परेशानी, मेरी ये तकलीफ मेरे वालिदैन को, मेरे सरपरस्तों को अगर मालूम हो जाए तो परेशान हो जाएंगे, गमजदा हो जाएंगे। अब उनको बेहतर मशवरा देने वाले, उन्हें बेहतर फैसला देने वाले कोई नजर नहीं आते। उस वक्त एक ही हस्ती याद आती है, वो है तुम्हें तराश कर बनाने वाला, तुम्हें हीरा बनाने वाला ये मुअल्लिमात। ये हस्तियां याद आती हैं, ये असातिज़ा हैं, ये हस्तियां याद आती हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत बड़े फाजिल भाई बैठे हैं, जामाई बरादरान बैठे हैं, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। आप आलिम होने के बावजूद नीचे बैठकर सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। उलमा के अंदर ये संजीदगी होती है, उलमा के अंदर ये संजीदगी होती है। तो यहाँ हमारे जामाई भाई बैठे हैं, हमने आपने पढ़ने के बाद आज बहुत सारे मसाइल उम्मत के हमारे सामने आते हैं। आज भी हम हमारे असातिज़ा से राब्ता करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बड़े असातिज़ा जो हमारे हैं, बिलखुसूस शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल बासित साहब रियाजी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत आफियत अता फरमाए, ऐसे बड़े उलमा से राबता रखते हैं और इसका बड़ा फायदा होता है। और यही मशवरा मैं अपनी बहनों से देना चाहता हूँ, बहनों को देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी परेशानी आए, मुअल्लिमात असातिज़ा से आप रहनुमाई ले सकते हैं। और इससे एक आपका ताल्लुक, एक फायदा ये भी है कि दावत और तबलीग के मसले में आप इनसे मशवरे लेते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें मालूम होंगी कि काम कैसे किया जाए। चौथी चीज ये कि सरपरस्तों की जिम्मेदारी में से जो है, वालिदैन के जिम्मेदारों में से जो है वो अहम है, वो ये कि यहां से बच्चियां फारिग होने के बाद जब इनके रिश्ते की बात हो, तो ऐसे घरों को तरजीह दो जो किताब और सुन्नत के हो, अलमबरदार हो, किताब और सुन्नत के अलमबरदार घरानों में बच्चियों का रिश्ता करें, तौहीद परस्त घरानों में बच्चियों का रिश्ता करें। क्यों? इसलिए कि जहां बच्चियां जाती हैं, वहां उसकी कदर होना चाहिए, उससे बढ़कर उसके इल्म की कदर होना चाहिए। ऐसे घर में बच्चियों को दें जहां इल्म की कदर नहीं, बच्ची की कदर नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे घर में देने के लिए। और आप सोच रहे होंगे अगर देंगे नहीं तो बच्ची 40 साल की होगी, 50 साल की होगी, कोई बात नहीं, बैठने दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुकद्दर में यही लिखा है
यही होगा। लेकिन इस फिक्र में आप किसी मुशरिक के हवाले से ना करें, किसी बिदाती के हवाले से ना करें, और ऐसे शख्स के हाथ में उसको हरगिज न दें जो इसकी कदरदानी ना करें, इसकी अहमियत को ना पहचाने। हीरा ने इन बच्चियों को तराश कर हीरा बनाया है, गोया कि इस हीरे को सही आदमी के हाथ में रखा जाए जो हीरे की कदर जानता है। अगर हीरे को ले जाकर आप दूसरे जो लोहे का कारोबार करने वाला है या पत्थर का बिजनेस करने वाला है उसके हाथ में देंगे, उसको हीरे की शनाख्त नहीं रहेगी, तो वो ऐसे ही खुले आम रख देगा उसको, और उसको क्या है, कोई भी चुरा सकता है, उसकी ऐसी कदर नहीं हो सकती। तो बहरे कैफ ऐसे हीरे को उसकी पहचान जिसके पास है उसी को देना चाहिए। यह जिम्मेदारों के लिए, वालिदैन के लिए सबसे अहम बात है कि बच्चियों का रिश्ता ऐसे घरों में करें जो तौहीद परस्त घराने हो, बिदाती मुशरिकी घराना ना हो। और पांचवी बात, आखिरी बात यह है कि हमेशा अपने बच्चों को शादी से पहले भी, शादी के बाद भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत करते रहे, और बच्चियों को सही जिंदगी गुजारने का उन्हें नुस्खा देते रहे, नसीहत करते रहे। देखिए आज बच्चियों के जो मसाइल होते हैं, बड़ी परेशानी वाले मसाइल, बच्चियां दीनी तालीम तो हासिल कर रही है, उसकी नशर इशात करने का उन्हें मौका नहीं। और दूसरी बात क्या है, नशर इशात उसको फैलाने की जब बात होती है तो उनके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे वक्त में हमारा मददगार, हमारा सहारा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। मैं बस ये बातें बताना चाहता हूँ कि शादी से पहले भी, शादी के बाद भी बच्चों को तकवे की नसीहत करें और इखलास की नसीहत करें। और यहाँ बैठी बच्चियां, बिलखसूस तेरी बहनें, आप फारिग होने के बाद आपके लिए उम्मत बड़ी प्यासी है, आपकी खिदमात की बड़ी मुंतजिर है, क्योंकि ये उम्मत शिर्क के दलदल में फंसते जा रही है। बिलखसूस खवातीन में बिदआत और खुराफात वाले इतने काम जन्म ले चुके हैं, शायद के वो रस्म और रिवाज, वो काम गैरों में भी नजर नहीं आते, हिंदुओं में भी नजर नहीं आते, ऐसे अकाइद ऐसे काम हमारे लोगों में है। बिलखसूस जिस सरजमीन पर मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, इस सरजमीन पर भी तुम्हारी खिदमत की जरूरत है, आसपास के इलाकों में भी तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। और उम्मत में मुहद्दिसीन की जो माएँ हैं, फुकहा की जो माएँ हैं, सलफ सालेहीन की जो माएँ हैं, उन माओं का किरदार तुम्हें अदा करना है, उन माओं की किरदार तुम्हें अदा करना है। एक सदी से, इस सदी ने, इस तारीख ने ऐसी माँ देखा नहीं है जो माएँ सलफ सालेहीन में पाई जाती थी। लिहाजा इस सदी को तुम्हारी जैसे माओं की जरूरत है, तुम्हारे जैसी बेटियों की जरूरत है, तुम्हारे जैसी बहनों की जरूरत है। लिहाजा यहाँ जो सनद लेने के लिए पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह, सनद से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, यहाँ जो सीखेंगे वो बाहर जाकर सिखाएंगे, और इसमें इखलास होना चाहिए। इखलास अगर है, अल्लाह ताला की गैबी मदद होगी और आप मैदान में आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं, और अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की मदद से आप कामयाब रह सकते हैं। तो दीनी तालीम इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है, इसके बगैर मर्द और ख्वातीन अल्लाह को हकीकी तौर पर पहचान नहीं सकते। लिहाजा दीनी तालीम हासिल करना जिस तरह मर्दों का हक है, उसी तरह औरतों का भी हक है। और दूसरी बात, इसकी नशर व इशाअत जिस तरह मर्दों पर फर्ज है, उसी तरह ख्वातीन पर भी फर्ज है। शर्त है कि ख्वातीन के लिए कुछ आदाब बताए गए, कुछ शराइत बताए गए, कुछ यानी ऐसी चीजें बताई गई, हदूद बताए गए, उन हदूद में रहकर इस काम को अंजाम देना है। और तीसरी चीज, हमारे मुआज्जज़ व मुअक्किर जिम्मेदारान हैं, सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं। लिहाजा मैं आपसे फिर दोबारा सहबारा एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों की कदर करें, बच्चियों को लेकर खौफजदा ना हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, और इन बच्चियों को बेहतरीन दावत और तबलीग करने वाली बनाएं, बेहतरीन काम करने का इन्हें मौका दें। आप मौका देंगे तो ये बच्चियां काम करेंगी, आप मौका नहीं देंगे तो ये बच्चियां काम नहीं करेंगी। हाँ, यहाँ आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारी माएँ बैठी हैं, बड़ी प्यारी माएँ, आपके घर कोई बहू आती है, आलिमा बनकर कोई बहू आती है, तो अल्लाह के लिए उस बहू के साथ बेटी वाला सलूक करें, बेटी वाला सलूक करें, यानी बहू को भी दावत और तबलीग का मौका दें। हमारे पास होता क्या है जानते, अपनी बेटी को
पढ़ाने के लिए भेज दिए, अपनी बेटी को दावत तबलीग के लिए भेज दिए, अपनी बेटी को काम करने का मौका दे दिए, लेकिन बहू को क्या है, घर में हम नौकरानी बना कर रखते हैं और ये चाहते हैं कि बहू कहीं ना जाए, कुछ भी काम ना करे। अगर बहू निकल कर काम करती है तो मेरी बेटी का नाम कम हो जाएगा, मेरी बेटी का मुकाम कम हो जाएगा, मेरी बेटी का इज्जत में धक्का आएगा। हाँ, बस औकात ऐसा होता भी है कि तुम्हारी बेटी के मुकाबले में तुम्हारी बहू की सलाहियतें कुछ ज्यादा होती है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तो बास खवातीन हसद में आकर, तकब्बुर में आकर उन बहुओं के साथ ऐसा सलूक करती हैं कि अपनी बच्चियों को तो मौका देती हैं, बहू को मौका नहीं देती। ये अल्लाह के पास सवाल किया जाने वाला है, इसके जवाब देना जरूरी होगा। तो ऐसी चीज से डरना चाहिए, बहू के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और उम्मत में यहीं से इस्लाह पैदा होती है, यहीं से इस्लाह का काम शुरू होता है कि यहां माएं अपनी हकीकी बेटियों के लिए जो मां है, अपनी बहू के लिए भी हकीकी मां बन जाए तो उम्मत के आधे मसाइल हल हो जाएंगे, औरतों के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। लिहाजा यहां बैठी हर मां इस बात की फिक्र रखें कि मैं जिस तरह बेटी से मोहब्बत करूंगी, मेरी बहू को भी मैं ऐसी लाऊंगी। और तुम्हारे तकवे की अलामत है कि बेटी से बढ़कर सलाहियतें वाली बहू को लेकर आना और उससे खिदमत लेना, उससे काम लेना, उसे काम का मौका देना, ये तुम्हारे तकवा और सालिहियत की बात है। लिहाजा हर मां को ऐसी बनना चाहिए, तभी जाकर उम्मत में फुकहा व मुहद्दिसीन पैदा होते हैं, सलफ़े सालिहीन जैसे कारनामे होते हैं। वरना अगर माँ ही रुक जाए तो बच्चों का सहारा कौन, बच्चों को चलना सिखाने का कौन, माँ अगर रुक जाए तो फिर बच्चे भी रुक जाएंगे। लिहाजा आप परिंदों की भी मिसाल ले लें, मुर्गी की भी मिसाल ले लें, जब तक मुर्गी चलती रहती है बच्चे उसके साथ चलते रहते हैं, मुर्गी बड़े बड़े ऊपर यानी ऊंची जगहों पर भी चली जाए बच्चों को चढ़ना नहीं आता है फिर भी कोशिश करते रहते हैं। तो ये माँ जब तक मुतहर्रिका रहती है, हरकत करती रहती है, बच्चे भी हरकत करते रहते हैं। अगर वालिदैन ठंडे पड़ जाएंगे बच्चे ठंडे पड़ जाएंगे। और याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इन बच्चियों को तुम पढ़ा रहे हो, सुभान अल्लाह, ये बहुत नेक अमल है और ये बच्चियां इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नम की आग बनेंगी, जहन्नम की आग से पर्दा बनेंगी, जहन्नम की आग में जाने से तुम्हें रोकेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन इन बच्चियों के साथ सही सलूक करें, इन्हें जो दीनी तालीम दी जा रही है इसका सही इस्तेमाल करने का इन्हें पूरा मौका दें। यही बस गुजारिश है सरपरस्तों से, यही गुजारिश है वालिदैन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह सुभानहू व तआला हमारे वालिदैन को, हमारे सरपरस्तों को सेहत व आफियत अता फरमाए, हमारे बच्चों को बेहतरीन इल्म अता फरमाए, हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए, हम में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमाए, जो कर्जदार हैं बच्चियों के मसले में अल्लाह उनके कर्जों से उन्हें नजात अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उन्हें खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, जो लोग इदारों को चलाने में मुअल्लिमात की खिदमत है, जिम्मेदारों की खिदमत है, अल्लाह सारों की खिदमत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए, हमारे इम्तिहानात में आसानी फरमाए, दुनिया व आखिरत के इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए, हम वालिदैन को औलाद के हक में बेहतर बनाए और औलाद को हमारे हक में बेहतर बनाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह औलाद की दौलत से मालामाल फरमाए, जिनकी औलाद है अल्लाह उनकी औलाद को उनके लिए आंखों की ठंडक बनाए, उनके लिए फरमाबरदार बनाए, मुतीर बनाए और उनके लिए सदक़े जारिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख्वातीन, हमारी माएँ, सास बहू के मसलों में जो कोई भी परेशान हैं अल्लाह सबको हिदायत दे, खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, हमारे बच्चियों के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन बनाए, इनके लिए खूबसूरत व खूबसूरत जोड़ों का इंतजाम फरमाए, अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों को नूर से मुनव्वर कर दे, अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए, एक एक बच्ची को अपनी मोहल्ले का बेहतरीन दावत और तबलीग का काम करने वाली बनाए, अपनी सोसाइटी के लिए फायदा मंद बनाए, अपनी जमात और जमीयत के लिए कार्य खैर करने वाली बनाए। अल्लाह हम में से हर एक की खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे अंदर इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह रियाकारी से बचाए, हसद से बचाए, तकब्बुर से बचाए, घमंड से बचाए, बुरी खसलतों से अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, अल्लाह सुभान व तआला हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत
पैदा फरमाए, हमारी बच्चियों को वालिदैन की खुशियां बनाए, उनकी राहत बनाए, उनके लिए इत्मीनान वाली जिंदगी बनाए। अल्लाह ताला नाफरमान बच्चियों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, उन्हें खुश रखे। अल्लाह सुभानहू व तआला से ये भी दुआ है, अल्लाह जब तक हमें दुनिया में रखे तौहीद की हालत में रखे, जब फातिमा और फातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته फिल्म। दिल तो चाह रहा था कि शेख़ मोहतरम के ज़बाने मज़ीद कुछ बातें सुने, लेकिन वक्त अपने तंग दामानी का शिकायत कर रहा है, लिहाजा मैं शेख़ मोहतरम के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जमी खिदमात को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके यहाँ पर कही हुई बातों को आपके लिए सदमे जारिया बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सेहत वाफियत से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। अब इसके बाद प्रोग्राम किए बल्कि इख्तिताम होने को करीब है, लिहाजा मर्द हजरात से गुजारिश है कि वो इत्मीनान से बैठे रहें। इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम जो इख्तिताम हो जाएगा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप इत्मीनान के साथ जम करके बैठे रहें। अब मैं ब्लॉक से ताखिर किए हुए हदीय तशक्कुर पेश करने के लिए सदर महफिल अबू अब्दुल्ला मगल अब्दुल अजीज हफिजहुल्ला नाज़िम जामिया को दावत देता हूँ, वो आए और हदीय तशक्कुर पेश करें। तफज़्जुल मशकूर। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هر قسم کی حمد و ثنا बड़ाई व बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को यहाँ इस दीनी मजलिस में शरीक होने और कुछ दीनी बातों से मुस्तफीद होने का अल्लाह ताला ने हमें मौका इनायत फरमाया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के बाद जिम्मेदारान जामिया जामियतुन निस्वान अस्सलफिया इस जामिया के बानिया आलिमा डॉक्टर नोहरा शेख हफीज़हुल्लाह का और जामिया के नायब सरपरस्त आला हमारे हदील अज़ीज़ भाई फजीलतु शेख शेख इस्माइल हफीज़हुल्लाह का और उनके वालिदा माजिदा का और उनकी बहनों का दीगर जिम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जामिया को इस चमन को कायम करने में बहुत सारी उनके ख़ानदान वालों ने मेहनतें और मशक्क़तें उठाई हैं, तो उनकी मेहनतों से आज हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ कुछ इल्म हासिल करने और सीखने सिखाने का अल्लाह ताला ने हमें मौका इनायत फरमाया, और उसके बाद जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं हमारे मेहमान जो कि हमारी जामिया की तालिबात के सरपरस्त हैं, आप तमाम लोगों का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए अपने मसरूफियात को कामों को छोड़ करके जो है आप लोग
यहाँ आए और हमारी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक होकर के जो है आप लोग इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बनाया, तो आप लोगों का भी जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसका दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर बदला आप लोगों को अता फरमाए। और उसके बाद हमारे इस जामिया के मालिमीन और हमारे इस जामिया के मालिमात का भी मैं और इसी तरह जामिया के खादिमीन और खादिमात जो भी आपकी बच्चियों को जो है ये काबिल मालिमा ये काबिल दाइया बनाने के लिए जो है कोशिश में दिन और रात लगे रहते हैं, वक्त नहीं देखते, दिन नहीं रात नहीं, हमेशा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तालिबात के फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं उनका भी जो है जिम्मेदारान जामिया के जानिब से मैं बहैसियत इस जामिया के खादिम मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर बदला अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अल्लाह ताला अता फरमाए और अल्लाह ताला कादम हयात अल्लाह ताला उनसे दीनी खिदमात लेता रहे। और उसके साथ साथ दिल तो चाहता था कि जो है कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं, लेकिन वक्त जो है उसकी इजाज़त नहीं देता है, तो मैं मेरी बात को जो है ज़्यादा तूल ना देते हुए मैं हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा फजीलतुल शेख अजमतुल्ला उमरी हफीज़ुल्ला जो कि आंध्र प्रदेश जमीयत अहले हदीस के नायब अमीर हैं और यहाँ चित्तूर ज़िला के भी जो है शेख मोहतरम अमीर हैं, तो मैं उनका भी जो है दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी हिम्मत अफजाई की। और वक्त जो है इजाज़त नहीं देता, मैं शेख से माजरत चाहता हूँ कि शेख से भी हम कुछ सुनना चाहते थे लेकिन वक्त जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, जो है कई लोगों के ट्रेन जो है बिल्कुल कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, तो पेरेंट्स से भी मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग साल में दो मरतबा हम लोगों को वक्त देते हैं, यानी हम लोग जो है आपकी सफ़र के दीगर मसरूफियात या आप लोगों के मशगूलियात का ख्याल रखते हुए हम लोग जो है जब आप बच्चों को लेने के लिए आते हैं उसी वक्त आपका जो है दो घंटा हम पूछते हैं, यानी वक्त लेना चाहते हैं, लेकिन कई लोग जो है कोई 12 बजे की ट्रेन में टिकट निकाल लिए, कोई 1 बजे की 2 बजे की ट्रेन में टिकट निकाल करके आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हालांकि हमारा आज ये वर्किंग डे है, यानी आज छुट्टी नहीं है, आज हमारा तालीमी दिन है, छुट्टी तो कल से है। अगर जो लोग जो है हमारी दीगर जो भी कार्रवाइयाँ रहती हैं जामिया की वो ख़त्म होने के बाद जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त दी जाती है, लेकिन कई लोग जो है सुबह से ही आकर बैठ जाते हैं कि जो है भेजिए हमारी ट्रेन निकल जाएगी, फला फला हो जाएगा, तो बड़े ही मैं माजरत के साथ आप लोगों से आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि आपकी अपनी बच्चियों के फायदे के लिए सब हम कर रहे हैं, आपकी बच्चियों को कुछ बनाने के लिए जो है सारी कोशिशें हमारी हैं, वरना आप आते ही फौरन अगर हम लगेज थमा करके भेज सकते हैं आपके बच्चों को, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सारी कोशिशें चलती हैं, तो लिहाजा आप लोग जो है जरा बड़ा दिल करके हमारा साथ दें, जामिया का ताउन करें, इंशाल्लाह हम आपके बच्चियों को जो है मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा आप लोगों से मैं आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कभी भी जब भी छुट्टी होती है तो यानी लेट जो ट्रेन होती है आखिर में जो ट्रेन होती है या बस होती है उसका जो है आप बराए मेहरबानी टिकट बना करके आए। और उसके साथ साथ जो है मैं हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बल्कि मुकर्रर खुसूसी फजीलतुल शेख यूसुफ जावई मदनी हफीज़ुल्लाह का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिल तो चाहता था कि यह मजीद शेख के ज़बानी हम फ़ायदा उठाएं लेकिन वक्त जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा था। और उसी के साथ साथ हमारे इस जामिया के मुअल्लिम फजीलतुल शेख यूसुफ फजीलतुल शेख
नूर मोहम्मद जामई आलिया हफीज़ुल्लाह का और इब्राहिम हाशिम फैजी अबू इब्राहिम हाशिम फैजी मदनी हफीज़ुल्लाह का भी मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और उसी तरह हमारे मोहम्मद हाफिज मोहम्मद हफीज़ुल्लाह का भी मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इन लोगों ने जो है माशाल्लाह हमारी बहुत ही हमारे इस जामिया के अंदर जो है बहुत ही हमारा ताउन करते हैं। और मालिमात का भी जो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में जो है मैं तमाम सरपरस्तों से एक गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वो ये है कि इंतजामी उमूर में हो सकता है स्टाफ में से जो हर कोई एक मिजाज का नहीं होता है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, उनकी वजह से अगर आप लोगों को कोई किसी किसी का बात करने का अंदाज जो है आपको पसंद नहीं आता होगा, कोई सख्ती से बात करते हैं या कोई, मैं भी जो है इसके अंदर शामिल हूँ, अगर मुझसे भी अगर आपको कभी कोई तकलीफ पहुँची हो मेरी बात से या मेरे चलन से या मेरे रवैये से आप लोगों को अगर तकलीफ पहुँची हो तो मैं बड़े ही जो है अदब के साथ आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। हम लोग जो भी करते हैं आप लोग जानते हैं कि जो है हमारा हर सुबह और शाम से लेकर हमेशा हमारा यही जो है इरादा रहता है कि जो है कहीं पर भी जरा बराबर भी जो है आपको तकलीफ ना हो, हम कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी इंसान है हम लोगों से अगर आपकी मेहमान नवाजी में या आपकी खातिर जो है आपकी मेहमान नवाजी में आपकी खिदमत में जो है कोई कमी पेशी हो जाती है या कुछ हमारे से जो है नाराजगी वाली बात अगर हो जाती है तो बड़े ही मैं माजरत के साथ आपसे जो है माफी चाहता हूँ कि हमारे तमाम स्टाफ की तरफ से अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो आप बड़े दिल से जो है माफ करें और हमारे लिए जो है यहाँ से आप लोग दुआएं देते हुए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामान्य कराम आप लोग जो है शुरू से आखिर तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इत्मीनान और खुश दिली के साथ बैठे रहे और जो भी बातें मेरी उनमें बताते रहे उसे गौर से सुन रहे थे। उम्मीद है कि जिन जिन बातों को भी इस प्रोग्राम में मीटिंग में आपको बताए गए हैं उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है। अब प्रोग्राम के इख्तिताम के कफारे मजलिस की दुआ जरूर पढ़ लें और आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है, जिनकी वो ट्रेन वगैरह जाना है वो खाने से फारिग होकर के जरूर जाएं, जरूर खाना खा करके जाएं। कफारे मजलिस की दुआ जरूर पढ़ लें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अज़ान शेख अज़ान पढ़ा।